गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बनारस, गुड मॉर्निंग रांची, गुड मॉर्निंग देहरादून, गुड मॉर्निंग गाजियाबाद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन आ गए। यस धनबाद, गुड मॉर्निंग अंशुमन, यस हैप्पी जीएसटी डे। चलिए एक बार सबको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बनारस, गुड मॉर्निंग देहरादून, देहरादून अविरल। चलिए गुड मॉर्निंग लक्ष्मी नगर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कई दिनों से जिसका इंतजार था वो आज आ गई घड़ी, जिससे प्यार था वो आज पहुंच ही गया। अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। देखो फर्स्ट थ्री क्लासेस आज, नेक्स्ट थर्सडे पंजाब आ गया, अमृतसर, हाँ वही कर, ठीक है, पंजाब, यस, चलिए बनारस भी आ गया, पटना भी आ गया, पटना का कैमरा लगा, पटना, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो, सबको ये इंतजार है जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। और बहुत दिन से जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि यूट्यूब में क्लास नहीं है एक भी जीएसटी की क्लास होगी कहाँ से, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की जीएसटी की क्लास। रिकॉर्ड तो तब पढ़ाता, ये मैं लोड तो तब करता ना जब मैं पढ़ाता, मैंने पढ़ाया नहीं। मैंने तो एकदम सिंपल कह सोच लिया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और वही क्लास में फर्स्ट थ्री क्लासेस को मैं अपलोड करूंगा। देखो इसको लेके एक पॉइंट दो पॉइंट समझना। आप ये आज उम्मीद भी मत करना कि मैं आज आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा कि जीएसटी क्या होता है, उम्मीद भी मत करना, नामुमकिन। पहली क्लास में मैं आपको जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस मैंने 19 पेज की एक सीट भेजी है, जीरोक्स सीट है, ठीक है, इस जीरोक्स सीट को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना वालों ऐसे मत देखो, वो आपको मिल जाएगी। सुमित कुमार कौन, सोनिया, तानिया कौन कौन है मुझे तो नहीं पता, फिर भी एक जन तो जान पहचान का दिख रहा है। पटना वालों एमपी सिंह जी आपको दे देंगे, मेल किया है सर, एकदम मिल जाएगा। ऐसे मैं इससे कुछ पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, डोंट वरी। बहुत रेयर शायद मैं इसको रेफर करूंगा, शायद 5 मिनट के लिए रेफर करूंगा तो करूंगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जीएसटी में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सोचो कि हाँ बहुत इजी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी पड़ेगी जीएसटी के टॉपिक में कि ये आ कहां से रहा है, कैसे बना, क्यों बना। इतना लेक्चर देना भी आपके लिए आईपीसीसी लेवल में वो भी इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है। एक पूरा का पूरा चार्ट बना के मैं तुमको दे दूं और कहूं इसमें से 30 नंबर आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। काश वैसा ही मैं कुछ बना लेता, 30 नंबर आ जाता, कितना अच्छा होता। दिस ऑल थिंग्स आर इररिलेवेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेट योरसेल्फ ओनली विद द स्टडी मटेरियल। आपके इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल इशू की है वो बहुत 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 ज्यादा उम्दा है। इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट ने मटेरियल इशू की है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। आप उस मटेरियल को स्टक रखोगे, पर प्रॉब्लम मटेरियल में क्या होती है, कई सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाती है। हमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पता, ठीक। अपने मैं भी आपको दो वॉल्यूम दूंगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, दो। तीसरी जो वॉल्यूम मैं आपको दूंगा वो केवल केवल समरी की वॉल्यूम दूंगा, जिसमें केवल समरी चार्ट होंगे और कुछ नहीं होगा। मैं आपको ठीक है, देखिए ये एक वॉल्यूम मेरे पास है जिसको जिसमें केवल 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 चार्ट है और कुछ भी नहीं है। देखने को मोटाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यस। तो चलिए हम जीएसटी को स्टार्ट करते हैं। ओपन योर नोटबुक, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में शंका हो पूछिएगा, पर ज्यादा मत पूछिएगा, ठीक।
ज्यादा पूछना सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नोटबुक पे आइए। बाबा मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तीन चार लाइनें छोड़ के। जय भोलेनाथ। ठीक बनारस। पहला ही क्वेश्चन हमारा है FAQ 1, व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी है क्या, व्हाट इज जीएसटी। किसी ने कहा गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर, किसी ने कहा गुड्स बने सिंपल टैक्स, किसी ने क्या क्या कहा, किसी ने क्या क्या कहा, किसी ने क्या क्या कहा, भगवान मालिक का, किसी ने तो गब्बर सिंह टैक्स भी कह दिया। बाप रे बाप, गब्बर सिंह टैक्स, ये क्या है गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के मन में कई तरीके के सवाल है, ये है क्या। तो मैं आपको न गब्बर सिंह टैक्स कहूंगा, न मैं आपको गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहूंगा, न मैं गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स कहूंगा। अब मैं आपको कहूंगा कि जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ एक्सेप्ट लिखकर। दिस इज ए सिंपल लैंग्वेज। ऐसा मत सोचना मैंने जीएसटी स्टार्ट किया है, ऐसी गलती भूल के भी मत करना दो क्लास तक तो, कि मैं जीएसटी स्टार्ट कर चुका हूं। कुछ भी नहीं किया है मैंने, मैंने जस्ट आपकी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए जीएसटी के क्लास, इसलिए मैंने पहला वर्ड लिखा जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, बस मैंने इतना सा लिखा है। आप इतने से पे ही अपना ध्यान रखो। पंजाब आ गया शिवम, कुलदीप, सौरभ, जीएसटी मीन्स टैक्स, दिस इज वन वर्ड टैक्स, ये तो सबको पता है टैक्स। ऑन सप्लाई, नेक्स्ट वर्ड इज सप्लाई, किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। अल्कोहलिक लीकर तो समझ ही रहे होंगे, पटना वालों को छोड़ के बाकी तो सब समझ ही रहे होंगे, अहमदाबाद वालों को छोड़ के। हैं अहमदाबाद धुर्मिल, पटना वालों कितना अच्छा है आपके लिए, तो अल्कोहलिक लीकर ही नहीं मिलता है वहां तो। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। एक बात तो क्लियर हो गई इस वर्ड से कि जीएसटी क्या है, एक टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक टैक्स है। अच्छा, क्या मुझे कोई भी बताएगा टैक्स क्या होता है। यस एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। टैक्स, कोई मुझे बताएगा ये टैक्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा ये टैक्स क्या होता है, जल्दी डू इट फास्ट। बात नहीं करना क्लास के भीतर, वो भी जीएसटी की क्लास में कभी बात नहीं करते हैं। हिसार ने कहा कंपल्सरी एग्जेगेशन ऑफ मनी अंडर ए लॉ, ये तो मेरी डायरेक्ट टैक्स की पहली क्लास में मैंने बताया था। रिवाड़ी ने कहा टैक्स इज ऑन पर्सन, पटना ने कहा चंदा। वाह पटना, वाह, एकदम अपने रूप के अनुसार तुमने आंसर दिया है चंदा, वाह 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 वाह। टैक्स इज अ सम अमाउंट लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन सर्विसेज, गाजियाबाद ने कहा है। चलिए डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन।
यस कुलदीप, गुड मॉर्निंग रेवाड़ी। टैक्स इज ऑन पर्सन, मैंने ये नहीं पूछा टैक्स किसके ऊपर। रेवाड़ी भाई, मैंने पूछा व्हाट इज टैक्स। रेवाड़ी ने कहा टैक्स इज ऑन इनकम। अग्रीड। मैंने वो भी नहीं पूछा टैक्स ऑन इनकम और टैक्स ऑन पर्सन। माय क्वेश्चन इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स। चलिए मैं एक पेज छोड़ रहा हूं, चंदा से ही स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, चंदे से ही स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, ऑफ टैक्स। टैक्स इज अ मैंडेटरी, टैक्स इज अ मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय गवर्नमेंट। तो पटना, आपने लिखा चंदा, क्या चंदा गवर्नमेंट लगाती है या गुंडे मवाली बदमाश आके चक्कू दिखा के लेके जाते हैं? पहले यही डिस्कस कर ले, क्या चंदा गवर्नमेंट लगाती है या तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो चक्कू दिखा के कहता है ए पैसे दो, नहीं दोगे तो देख लूंगा। नहीं ना, तो टैक्स आपका चंदा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि सरकारी गुंडे। ओके, मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय गवर्नमेंट, फिस्कल चार्जेस क्यों? फिर क्वेश्चन आएगा, इसको लगाने की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट क्यों लगाने वाली है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई मुझे अपने कई सारे एक्सपेंडिचर को पूरा करना है, उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरे पास आरबीआई थोड़ी है। यस, नंबर वन। तो मीनिंग ऑफ टैक्स, मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय द गवर्नमेंट टू फंड एक्सपेंडिचर। चलिए, टैक्स का मतलब भी आ गया कि मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस है। नीड क्या है? टू फंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है उसकी। कैसे लगाएगी? मैनर ऑफ इंपोजिशन क्या होगा? गवर्नमेंट कैसे लगाएगी, जल्दी बताना। आज रात को अचानक मोदी जी का मन किया कि सबके ऊपर, एक एक आदमी के ऊपर 2,000 रुपए का टैक्स लगा दूंगा, तो क्या यह संभव है, हां या ना? क्या रात को 8 बजे आज फिर मैं कहूंगा मित्रों आज से मैं 5,000 रुपए का टैक्स सबके ऊपर लगा रहा हूं, क्या यह संभव है? एकदम संभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इतना हड़बड़ाओ मत मेरे भाई जम्मू, ठीक है, संभव नहीं है। तो इम्पोजिशन ऑफ लॉ, ये जो इम्पोजिशन होगा थ्रू किसके होगा? लॉ के होगा। लॉ, लॉ से क्या बनेगा? एक्ट शैल बी मेड, एक्ट शैल बी मेड। ओ, अभी धीरे 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 आगे कदम बढ़ाओ, एक संग मत कूदो। गुड़गांव जहां तुम पहुंचे वो तो एंड में हम जाके पहुंचेंगे। तो मीनिंग क्या है? मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय द गवर्नमेंट है। नीड क्या है? टू फंड एक्सपेंडिचर है। मैनर क्या होगा? थ्रू लॉ होगा। एक्ट शैल बी मेड। अब क्वेश्चन है, सर ये लॉ कौन बनाएगा, ये लॉ कौन बनाएगा, लॉ मेकिंग ऑथोरिटी कौन होगी? ये सारी चीजें डीटी में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंट आईडीटी में होती है। लॉ मेकिंग ऑथोरिटी कौन होगी, जल्दी से बताओ। गुड़गांव ने कहा है गवर्नमेंट, जल्दी से बताओ, हु इज द लॉ मेकिंग ऑथोरिटी? गुड मॉर्निंग, बोलो, लॉ मेकिंग ऑथोरिटी कौन है, जल्दी बताइए। रेवाड़ी ने कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बेटा डायरेक्ट टैक्स बनाता है रेवाड़ी, वो भी लॉ मेकिंग ऑथोरिटी नहीं है, वो एक बॉडी है। हिसार ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, जम्मू ने कहा सीबीडीटी, गुड़गांव ने कहा सीबीडीटी।
लक्ष्मी नगर ने कहा पार्लियामेंट, पानीपत ने कहा गवर्नमेंट, बाकी सब सो रहे हैं, सो जाओ पटना सो जाओ। लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है पानीपत, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है जम्मू, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड़गांव सीबीडीटी लॉ नहीं बनाती है, लॉ बनाती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। हाँ, हिसार ने कहा पार्लियामेंट। फिस्कल चार्जेस क्या होता है? मॉनिटरी, मॉनिटरी, फिस्कल मतलब सुखी, मॉनिटरी होता है, मॉनिटरी चार्जेस है एक तरीके का, ठीक है। आप याद रखोगे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। मेरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मन हुआ, आज मोदी जी का मन हुआ कि रात को 5,000 रुपए का एक टैक्स हर एक आदमी पे, बेसिकली पटना वालों पे और अमृतसर वालों पे, जम्मू वालों पे लगाया जाए, तो ये क्या करेगी? ये कुछ नहीं करेगी मोदी भाई साहब। मोदी सर या जेटली सर क्या करेंगे? रात को एक ड्राफ्ट बिल बनाएंगे, ये रहा ड्राफ्ट, कि मुझे ये कारणों से 5,000 रुपया टैक्स लगाना है मित्रों। फिर नेक्स्ट दिन वो पार्लियामेंट में उसको रख देंगे, ठीक है ना, इसको पार्लियामेंट में रखेंगे। पार्लियामेंट में रखने के बाद, उसके बाद पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो मेजोरिटी के साथ इसको मानेंगे, उसके बाद वो क्या बनेगा? वो लॉ के साथ एक्ट बनेगा, और एक्ट के बाद आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश की सरकार के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना पड़ेगा। अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है तो कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकार, जैसे मोदी जी है, मोदी जी के पास लोकसभा में कहीं ना कहीं पूरी मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी की शॉर्टेज है, पर अभी यूपी के इलेक्शन हो चुके हैं, गुजरात और इसके हो रहे, उसके बाद उनकी मेजोरिटी आ जाएगी 2018-19 तक। इसके कारण क्या होगा? मोदी जी जो चाहेंगे, जो उल्टा पुल्टा टैक्स चाहेंगे, वो सारा का सारा वो टैक्स लगा सकेंगे, क्योंकि मेजोरिटी उनकी है। ये देश में पहली बार होगा जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरीके से बहुत दिन बाद जो चाहेंगे वो होगा। ऐसा हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा हमें नहीं सीखना है। तो माई पॉइंट इज दैट, व्हाट इज टैक्स क्लियर? व्हाट इज टैक्स क्लियर? व्हाट इज टैक्स क्लियर? मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय गवर्नमेंट टू फंड एक्सपेंडिचर थ्रू लॉ, एक्ट शैल बी मेड लॉ के लिए, ये कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। माई क्वेश्चन FAQ 2। चलिए शांति से सुनना, एक बात सुनो मेरी बात, कोई भी चीज जो बोर्ड पे आप कॉपी पे लिख रहे हो बकवास नहीं करो, पढ़ने आए हो पढ़ो, इधर उधर बातें मत करो, कॉपी खोलो और पढ़ाई करो, होशियारी ना करो। इससे एक बात को समझ लेना कि कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो, ये धीरे धीरे GST की तरफ पहला कदम होगी। आप जो ये बोर्ड पे लिख रहे हो, ये समझाने के लिए मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको GST के लास्ट तक होने वाले इफेक्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं। धीरे धीरे, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम धीरे धीरे बढ़ो, तब जाके पता चलेगा GST क्या है और GST क्यों है। अगर मेरा मन होगा तो मैं भी GST स्टार्ट कर सकता हूँ। GST ये है, अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं फंस जाओगे, फिर पता चलेगा कि ये कहां से क्या हुआ। नहीं, मुझे ये चाहिए कि सेकंड क्लास में जब तुम जाओ, दिमाग में मिंटोज वाला हिसाब होना चाहिए, अच्छा ये यहां से उठ के आया, ठीक है। FAQ 2, शांति से लिखो, देखो तो ये क्लियर कर लेना, व्हाट इज टैक्स? मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय गवर्नमेंट टू फंड एक्सपेंडिचर, और ये कैसे होगा? मैनर ऑफ इम्पोजिशन लॉ के थ्रू होगा, एक्ट शैल बी मेड, पार्लियामेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर के तरफ होगा। एक क्वेश्चन है मेरा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ द टैक्स इम्पोज्ड, टैक्स कैसे इम्पोज्ड किया जाता है? जब मैंने ये सारी बातें लिखी है तो इसी को मैं और एलाबोरेट कर रहा, हाउ द टैक्स इम्पोज, तब पिक्चर में आता है कौन? आर्टिकल,
246 आ गया, 246 आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल 265 किसका, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। जल्दी से मुझे बताओ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, जल्दी से बताओ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, किसने बनाया? ।1945 में हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये हिसार ने लिखा है। वाह रे हिसार, देसी आजादी के पहले ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लिया। आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना हमारे देश का, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना। यस सुमित, 1950 करेक्ट है सुमित, आ जाओ सुमित भाई। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लिवाइड, सुमित लिखने पे ध्यान दे, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड, लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में लिखा गया है कि कोई भी तरीके का टैक्स, टैक्स क्या है, मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस है, किसी भी तरीके का टैक्स, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। यानी कि सरकार को अगर किसी टैक्स की जरूरत होगी वो मुंह से बोलेगी, बोलेगी रात को 12 बजे के बाद टैक्स लगेगा मित्रों, तब ऐसा संभव नहीं है। ये क्या होगा, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या करेगी, व्हाट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ एक्ट बनाएगी, ठीक है। और ये अथॉरिटी ऑफ लॉ किसके पास होता है, देन क्वेश्चन अराइजेस, ये अथॉरिटी ऑफ लॉ किसके पास होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। इसी के बाद अचानक इस सेक्शन के बाद, इस आर्टिकल के बाद एक और आर्टिकल मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 क्या कह रहा है, ठीक से देखना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड by state legislature, ठीक। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि 265 को रिलेट करो धीरे धीरे, ए अमृतसर जम्मू को रिलेट करते हुए चलना, रांची बेटा को रिलेट करना, करता हूं ट्विंकल ठीक से करना बेटा, ठीक से करना। आर्टिकल 265 कह रहा है नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये आर्टिकल ने ये जवाब दिया। उसके बाद आर्टिकल 246 क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, यानी कि जिस लॉ की बात कर रहा है, मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात आ रही है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाता है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में डाल लो, मोदी जी लॉ नहीं बनाएंगे, मोदी जी को पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाना पड़ेगा, मोदी जी को पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, फिर वो एक्ट बनेगा, उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें होंगी। यानी कि अल्टीमेटली पिक्चर क्या होती होगी, मान लीजिए अगर हमारे मोदी जी को टैक्स लेना है,
मोदी जी को टैक्स लेना है तो वो क्या करेंगे जल्दी से मुझे बताओ। मोदी जी को अगर टैक्स लेना है तो वो क्या करेंगे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मोदी जी, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मोदी जी को टैक्स लेना है वो क्या करेंगे। एक्ट बनाएंगे? नहीं बेटा, मोदी जी को अगर टैक्स लेना है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी। क्या करेगी? ड्राफ्ट बिल बनाएगी। ये ड्राफ्ट बिल क्या करेगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा। पार्लियामेंट में रखा जाएगा, ढंग से समझ लो। जीएसटी सीखना है ना, पहले ये सीखो। पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में रखने के बाद ये लॉ बनेगा, इसके ऊपर एक लॉ बनेगा, और लॉ के बाद क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। ठीक, ये हो गया पार्लियामेंट। क्वेश्चन है इसको इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे रिकवरी होगी, किसके ऊपर लगेगा, इसको इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बोलो यहां तक चीजें क्लियर है? प्यार से, एकदम ढंग से। मैं बहुत बेसिक चीजों में जा रहा हूं, 1950 की चीजों में जा रहा हूं, 1950 के कैटेगरी को मैं डील कर रहा हूं, इससे बड़े ढंग से समझना। सुमित, किसी को दिक्कत हो तो बेटा बोल देना, अपना बहुत दिल के करीब सेंटर है वो, ठीक है ना। सुखी, समझ में आया? कुलदीप, समझ में आया? अंजलि, जम्मू, ठीक, पिक्चर को क्लियर कर लेना। फिर से देख रहा हूं, आ जाओ शांति से, पटना पूछ लेना सबसे। देखो फिर से आ रहा हूं, मैंने कहा सुखी ये मत कहना दिल को रखने के लिए समझ में आया, एकदम ठीक से याद रखना। मैंने कहा FAQ, व्हाट इज GST, मैंने स्टार्ट किया GST मींस ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। वाई एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर बाद में सोचेंगे, तो GST क्या है, टैक्स है। तब मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, व्हाट इज टैक्स, तो मैंने कहा टैक्स इज मैंडेटरी फिस्कल चार्जेस बाय द गवर्नमेंट टू फंड एक्सपेंडिचर। किस लिए फंड एक्सपेंडिचर, कैसे लगेगा, लॉ के थ्रू। लॉ के थ्रू लगेगा यानी कि एक्ट बनाना पड़ेगा। ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है, या तो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई हाउ द टैक्स इम्पोज, तो आर्टिकल 265 क्या कह रहा है कि नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ जब होगी तभी ये टैक्स किसी तरीके का टैक्स बनेगा। अब अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन है, अथॉरिटी ऑफ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली देखा जाए तो नहीं। करना क्या है, फिर आर्टिकल 246 कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉस मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इसके अगर मैं पावर को जाऊं तो आर्टिकल 246 है क्या, आर्टिकल 246 कहीं ना कहीं आप देखो पावर दे रहा है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आर्टिकल 246 क्या दे रहा है, पावर दे रहा है, किसको पावर दे रहा है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रहा है ना, कि भाई तुम्हारे पास पूरा का पूरा अधिकार है कि तुम लॉ बना सकते हो, बोलो हाँ या ना। यानी कि मोदी जी अगर रात को किसी टैक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते क्या कर सकेंगे, इम्पॉसिबल है। यानी कि 8 नवंबर को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसको लेके कोई ना कोई पहले से सारी बातें हो रही थी। चलिए वो तो ऐसे भी टैक्स नहीं था, तो मोदी जी को अगर टैक्स लेना है, जेटली साहब को कोई नया टैक्स लगाना है, तो पहले क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ड्राफ्ट बनाएगी, ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट में फिर वो लॉ बनेगा, लॉ से फिर एक्ट बनेगा। पर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर इन बातों को थोड़ा ध्यान से सोचो तो एक हो गया, आपकी दो बॉडी हो गई, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है जल्दी बताइए, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पर बनाने वाली बॉडी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं, बनाने वाली बॉडी पार्लियामेंट है। आज के बाद हमेशा पार्लियामेंट के पास ही जाना। बोलो एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज।
प्लीज रेज। ठीक, जल्दी से बोलना। एग्जीक्यूटिव मतलब, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि सारा का सारा लगाने लगा तो दिया गुड़गांव, पर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट कैसे होगा, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा रिकवरी कैसे होगी, कैसे इसका विचार होगा, कौन कैसे फाइल करेगा, किसको पकड़ा जाएगा, सारी की सारी चीजें कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। आइए, पेज नंबर 19 है आपके पास, जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से सोच लेना। यस बेटा, बोथ हाउस की परमिशन चाहिए। मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से सोच लेना इस बात को, फिर से सोच लेना, ठीक है ना। मैं केवल इस पेज की तरफ जा रहा हूं, आपके पास अगर पेज नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आज इसको देखो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये जो है ये वैलिडिटी आई कहां से, ये आर्टिकल 246 है, जल्दी से मुझे बताओ आर्टिकल 246 क्या है, पीछे मत देखना प्लीज, पीछे मत देखना, व्हाट इज आर्टिकल 246। व्हाट इज आर्टिकल 246, व्हाट इज आर्टिकल 246, पावर देने वाला। यस, इंटरेस्टिंग, एवरीबॉडी इज राइट नाउ गोइंग ग्रेट, पावर देता है, वाह रे गुरु, वाह, वेरी गुड। देखो आर्टिकल 246 में दो लिस्ट बनाई गई है, दिस इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, मैं लिखूंगा पर एक बार मैट में आ रहा हूं, ठीक है। लिस्ट वन, एक लिस्ट है आपका स्टेट लिस्ट, दिस इज कॉल्ड लिस्ट टू, और एक और लिस्ट है जो यहां दी नहीं गई है, उसे कहते हैं स्टेट, सॉरी, उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और इसे हम लिस्ट थ्री कहते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है भैया, और खाली ढंग से सुनो। आर्टिकल 246 में पावर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, एक बनाया गया लिस्ट वन, एक बनाया गया लिस्ट टू, और एक बनाया गया लिस्ट थ्री, कंकरेंट लिस्ट। अब ये तीन लिस्ट का काम क्या है, देखो, ठीक, मैंने कहा खाली नोट्स को देखो, जरूरी नहीं है इसको देखना, इसको खाली देखो बोर्ड पे। यूनियन लिस्ट आपको पता है, यूनियन लिस्ट किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट मतलब तो सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन है व्हाट इज लिस्ट थ्री, कंकरेंट लिस्ट। सबने लॉ पढ़ा होगा, सब पढ़ रहे होंगे, सबको आइडिया होगा, मुझे जल्दी से बताओ व्हाट इज लिस्ट थ्री, ये स्टेट है या सेंट्रल है, बताओ रे कुलदीप, बताओ अमृतसर, बताओ जम्मू, ये स्टेट लिस्ट है या सेंट्रल लिस्ट है। जम्मू ने कहा बोथ, बनारस ने कहा कॉमन, लक्ष्मी नगर ने कहा बोथ, द्वारका ने कहा दोनों है, हिसार ने कहा दोनों है, सुखी भाई ने कहा बोथ स्टेट एज वेल एज है, सुमित ने कहा बोथ है, कुलदीप ने कहा बोथ है, म्यूचुअली। पर क्या आपको ये पता ये बोथ में क्या लफड़ा है, ये बोथ बोलने से थोड़ी हो गया कि ये बोथ बोल दिया सर ने, हमने सुन लिया, ये मान लिया। बाबा अंबेडकर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना के गए, उस समय उतने स्टेट नहीं थे, वो तो आज 29 स्टेट, दो लेजिस्लेचर स्टेट और पांच ऐसे हो गए। जब उनकी सोच के बारे में सोचो, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके 7th शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया, और कंकरेंट लिस्ट को बनाया। सबने सोचा कंकरेंट लिस्ट, ये कंकरेंट लिस्ट का क्या वैल्यू होगा,
आज मैं तुम्हें बताऊंगा कंकरेंट लिस्ट क्या वैल्यू होगी, पता चलेगा क्यों जीएसटी इतने 13 साल तक, सब कहते हैं ना, किसी ने भी यह सोचा? उन 2004 में पहली बार केलकर कमेटी ने जब जीएसटी को लाया, और 2017 में 1 जुलाई 2017 को मोदी गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ये 14 साल क्यों बर्बाद हुए, किसी ने भी ये सोचा? क्या ऐसी घटना घट गई कि 14 के 14 साल बर्बाद कर दिए गए इसके ऊपर? देश में कब से पूरे दुनिया में जीएसटी चला गया, 162 कंट्री में जीएसटी आ गया, हम इंडिया वाले इतने पीछे, और गाना गाते थे हम इंडिया वाले, जय हो जय हो जय हो, मजाक है? नहीं, कंकरेंट लिस्ट का मतलब यह हुआ जहां पे कहीं ना कहीं दोनों का अधिकार है, सब कहते हो, पर कंकरेंट लिस्ट का मेन मुद्दा क्या निकल के आया था? कंकरेंट लिस्ट में उन चीजों को डाला गया जो रीजनल इंपॉर्टेंस है। देखो, दोनों में दोनों का अधिकार दिए गए, फिर भी ढंग से समझना, कंकरेंट लिस्ट में उन मुद्दों को डाला गया जो रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं। किसके हैं? रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं। अग्रीड? ये अगर कंकरेंट लिस्ट में रीजनल इंपॉर्टेंस, अब बताओ मुझे, एडुकेशन जो तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो पटना में, जो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे हो, जो दिल्ली वाले हैं, जो पंजाब वाले हैं, सबका अलग अलग एडुकेशन बोर्ड है कि नहीं है? हाँ या ना? कोलकाता यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सब कोई की है। अब जब एडुकेशन आप कर रहे हो, कंकरेंट लिस्ट ये कह रहा है कि रीजनल बेसिस, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो अपने अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से किसी लॉ को बनाया जाए, तो कंकरेंट लिस्ट उसी की बात करता है। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी ये लगे कि ये जो डिफरेंट स्टेट ने अपने अपने हिसाब से रीजनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीजें बनाई, सब ठीक है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी भी लगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट तो हैं, पर ये यूनिफॉर्मिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म जब नहीं होती है कोई भी चीज इस लिस्ट में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधिकार को यहां पे अप्लाई करता है कंकरेंट लिस्ट में। फिर से देखना, जिस दिन कंकरेंट लिस्ट ये कहती है कि ये रीजनल बेसिस पे है, ढंग से समझो, ये रीजनल है, नो डाउट रीजनल स्टेट अपने अपने हिसाब से सोचेगी, पर जिस दिन भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि यहां पे कुछ और वहां पे कुछ और है, तो उस समय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और कहेगी कि नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जो लिस्ट वन मैंने दिखाई है आपको बोर्ड पे, यहां पे लिस्ट वन यूनिफॉर्म लिस्ट है कि नहीं है? लिस्ट वन में जो आइटम है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है? पूरे देश में एक होंगे कि नहीं होंगे, पहले ये बताओ, पहले देश में होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? अग्रीड? यानी कि मैं बोल सकता हूं लिस्ट वन में जो चीजें होंगी ये यूनिफॉर्म होंगी, पूरे देश में एक होंगी? अग्रीड हो? पूरे देश में एक होगी, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे देश में एक होगी, हाँ या ना? स्टेट लिस्ट जो होगी वो मल्टीपल होगी, पंजाब गवर्नमेंट के कुछ रूल अलग होंगे, बिहार गवर्नमेंट के कुछ होंगे, बंगाल के कुछ होंगे, दिल्ली के कुछ होंगे, तुम्हारे यूपी के कुछ होंगे, जम्मू एंड कश्मीर का तो बात ही छोड़ दो, बाद में बात करूंगा, यानी कि ये मल्टीपल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया यूनिफॉर्म, इसको अधिकार दिया मल्टीपल, आप अपने अपने हिसाब से बनाइए, लिस्ट थ्री क्या होगी, मल्टीपल या फिर यूनिफॉर्म? इट्स माय क्वेश्चन, अब बताओ, चलिए यहीं से बात करते हैं, लिस्ट थ्री क्या होगी, मल्टीपल या यूनिफॉर्म? ध्यान से सुनना पटना वालों, पता है जब आप क्लास में रहते हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कंसंट्रेट करना, लास्ट बेंच, बोलो, सबने कहा यूनिफॉर्म, वेरी गुड, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं पहले रीजनल होगा, रीजनल, रीजनल जब कोई आती है
तो रीजनल हर स्टेट अपने अपने स्टेट अपने अपने रूल के हिसाब से चलेगी। पर अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यूनिफॉर्म नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। अग्रीड हो? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यूनिफॉर्म नहीं है तब वो इंटरफेयर करेगी। यानी कि कंकरेंट लिस्ट सबसे डेंजरस लिस्ट निकल के आने वाली है जीएसटी के लिए। पहले से बता रहा हूं, ढंग से देखना, फिर से देखो। चलिए मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म लिस्ट की, कि लिस्ट वन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए, मल्टीपल ये अधिकार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए, इसकी बात अभी हम करेंगे नहीं, इग्नोर इट। चलो एंट्री नंबर 82, ये एंट्री पावर देता है। एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स है। इसके बाद की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ढंग से देखना। इनकम टैक्स एक्सेप्ट, इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, ये वाली बात है। चलो मैं नेताजी हूं, हेलो भाइयों और बहनों, मैं अगर आपने मुझे वोट दिया तो भरोसा करिएगा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं आपके किसान की इनकम पे टैक्स लगाने नहीं दूंगा। मर जाऊंगा पर मैं आपकी इनकम पे टैक्स लगाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेताजी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नेताजी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? नेताजी ऐसा कर सकते हैं? सही बोल रहे हैं। बनारस बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, ठीक है, गलत बोल रहे हैं। तो नेताजी गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? अरे मेरे भाई, वो मैं मानता हूं। अरे नेताजी कह रहे हैं मैं टैक्स लगाने नहीं दूंगा, नेताजी कह रहे हैं मैं टैक्स लगाने नहीं दूंगा। अरे नेताजी आपकी औकात ही नहीं है टैक्स लगवा देने की, तो आप लगाने क्या नहीं दोगे? क्यों? तुम्हारे पास तो औकात नहीं है, तुम बेवकूफ को भली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हो। जनता भी सोच रही होगी हाँ सही बोल रहे नेताजी, हम पे चाहे इनकी सरकार आएगी तो हम पे कोई टैक्स नहीं लगा सकते। अरे बाबा, अंबेडकर जी ने आपके लिए बहुत कुछ, उन्होंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा नहीं सकते हो। ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहे हो? हाँ सर, आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा नहीं सकते हो, पर ये पावर एग्रीकल्चर इनकम का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया, यूनियन लिस्ट में डाला, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया कि तुम लगा सकते हो। बताओ इंडिया में किसी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत है? इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत है कि उनको पावर दिया है फिर भी वो टैक्स लगा सके? ना, वोट बैंक बाबा, वोट बैंक, वोट की, वोट के लिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एग्रीकल्चर इनकम पे वो टैक्स, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली बाप रे बाप। कई बार अगर तुमने देखा होगा बीजेपी के आने के बाद, कई बार कांग्रेस ने अफवाह फैलाई मार्केट में कि बीजेपी गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली है जिसमें वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएगी, फार्मर के ऊपर टैक्स लगाएगी। हम लोग भी न्यूज में देखते हैं, आज तक की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी गवर्नमेंट का नया फरमान, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। अरे आज तक वालों, तुमको सारे हिंदी भाषी देखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है जो इच्छा तुम लिख दोगे। बीजेपी गवर्नमेंट की तो छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो औकात भी नहीं है कि वो इस टैक्स किसी तरीके से अभी वो टैक्स लाए, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का अस्तित्व में आती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाए, पर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती है। तो ऐसी झूठी अफवाहों से आप दूर रहें।
तो इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, और इस एग्रीकल्चर इनकम का पावर उन्होंने लिस्ट टू को सौंप दिया। बाबा अंबेडकर बोले तुम लोग लड़ो मरो, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। चलिए एंट्री नंबर 83, कस्टम ड्यूटी। एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपको पता ही है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगती है। 99% स्टूडेंट आईडीटी में ये रट के जाते हैं कि एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, ऐसे रट के जाते हैं, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट। मैं पूछता हूं भाई एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट रट क्यों रहे? बोला सर नहीं, लिखा हुआ है एंट्री नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगा हुआ है एंट्री नंबर आपका 84 83, तो एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट। भाई तुम रटो मत यार, ठीक बोल रहा हूं, पटना लास्ट बेंच, कुछ चीजें होती है ना रट के जाना है, एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट। भाई साहब एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाने की हिम्मत ही नहीं है, वो तो बाद में बात करूंगा, आर्टिकल के थ्रू बात करूंगा, आज किसी तरीके की आलतू फालतू बातें नहीं होगी, आज एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी। आज जितनी बातें मैं बोर्ड पे करूंगा ये सारी की सारी बातें मैं करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को बना के, कि किसी के ऊपर, किसी को मेरे ऊपर अंगुली उठाने का अधिकार ना मिले कि सर आपने जो ऐसा पढ़ाया, मैं कौन होता हूं पढ़ाने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे आज। चलिए ठीक हो गई बात खत्म। देखो एंट्री नंबर 84, एंट्री नंबर 84 ये जिससे दिख रही है वैसी है नहीं, ये नई वाली एंट्री है, ये नई नई एंट्री है, मैं इस नई को हटा रहा हूं, ठीक अभी नहीं पढ़ूंगा। फिर देखो नीचे एंट्री नंबर रेसिडुअरी एंट्री 97, इसका बहुत ही खतरनाक रिजल्ट होने वाला है। रेसिडुअरी एंट्री कहता है कोई नया एक्ट आएगा, यानी कि एकदम नया नया कोई भी एक्ट मैं यहां डाल सकता हूं। रेस्ट ऑफ एंट्री मतलब कोई नया, पुराना और खिचड़ी पका हुआ नहीं, सुनील बाबू नया घर नई गाड़ी, नया घर नई गाड़ी, पुराने घर वाला नहीं, नया घर नया एक्ट आएगा। चलिए मैं इसको अब यहां उठा के रखता हूं, मुझे अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, अगर इसके मतलब की तरफ जाओ, सुमित लिखना स्टार्ट करो बेटा, ठीक है लिखना स्टार्ट करो बेटा, ठीक से समझना, अभी तक समझ में आया? सर आप तो जीएसटी के बारे में कुछ बोले ही नहीं है। मैं तो बोला ही, मैं जीएसटी के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं, ठीक है ना, बोलने का सवाल ही नहीं है। आर्टिकल 246 क्या देता है, जम्मू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, ठीक है। एक तरफ लिस्ट वन है, एक तरफ लिस्ट टू है। देखो ये पुरानी बातों को, यस देहरादून कौन है देहरादून में, देखो इस यूनियन लिस्ट की बात भी करूंगा मैं, और मैं स्टेट लिस्ट की भी बात करूंगा, दोनों चीजें क्या है ढंग से देखना, नोट डाउन। इसमें एंट्री नंबर 82 है। सुखी सबसे पूछ लो, सुखी कुलदीपे एंट्री नंबर 82 है, इसमें क्या लिखा है, आज भी लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फटाक से इधर एक एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दी, एंट्री नंबर 46 फटाक से बना दिया और वहां लिख दिया टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। पर क्या तुम्हें देश में कहीं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है, जल्दी से बताओ, एग्रीकल्चर इनकम पे पूरे देश में कहीं टैक्स है?
यस प्रिंस, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो लगा सकती है। एग्रीकल्चर इनकम पे, यस सुखी, थैंक यू सुखी भाई। तो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यस बेटा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है, पर किस कहीं पे भी देश में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की औकात नहीं है कि लगाए, किसानों को नाखुश करें। ठीक, क्यों करने जाएगी भैया, वोट है सबसे बड़ा। फिर एंट्री नंबर 83 क्या कहता है, कस्टम ड्यूटी। चलो इस पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे कोई भी ज्यादा चीजें, ये पुराना वाला था आर्टिकल, मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि क्या हुआ, खाली लिख रहे थे ना गुड़गांव, अब सारी चीजें बंद हो गई लिखना। फिर क्या है, एंट्री नंबर 84 है, ठीक से देखना। एंट्री नंबर 84 क्या कहता था, क्या कहता था, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। ओ, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबेको, अच्छा सर टोबेको एंड अदर गुड्स, ऐसा क्यों लिखा सर, अदर गुड्स भी तो लिख सकता था, सीधा गुड्स पे लिख सकता था, लिख सकता था ना कि सर इन्होंने टोबेको वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबेको एंड अदर गुड्स, सीधा ही लिख देता गुड्स। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखता है तो उसके पीछे राज होती है, गुड्स अदर गुड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, अदर गुड्स ऐसा लिखो, अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ओके ठीक है। फिर लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ए अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन, ह्यूमन कंज्यूमशन। बी ओपियम ओपियम इंडियन हैम्प, ओपियम इंडियन हैम्प, सुने हो ये सब बातें, एंड अदर नार्क, किस किस चरस गांजा, चरस गांजा अफीम, ओ माय गॉड, चरस गांजा अफीम, चरस गांजा और अफीम कुछ नहीं, यहां से स्टार्ट करो अम्बाला, मैं हूं तो क्यों टेंशन लेते हो, फिर क्लास चलवा दूंगा तुम लोग भी ना। चरस गांजा अफीम, यानी कि इस बात को ढंग से समझो, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज एक ड्यूटी है, भूल जाओ जीएसटी, अभी तुम भूल जाओ कि जीएसटी पढ़ रहे हैं, सोचो कि एक्ट क्या लिखा है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबेको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया, टोबेको सिगरेट इज ए टोबेको है ना, तो अब मुझे ये बताओ इन अदर गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, अफीम गांजा, ठीक है ना, अफीम गांजा ये सब हो गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सा है, यानी कि नशीले पदार्थ है, नशा करने की चीजें हैं कि नहीं है, ओपियम इंडियन हैम्प अदर नार्कोटिक अफीम गांजा चरस नशा की चीज है, टोबेको क्या नशे की चीज है, हाँ या ना बोलो, टोबेको क्या नशे की चीज है, हाँ या ना बोलो, किसी ने नालायक ने लिखा नहीं,
बेटा थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी हो गया, पहले एक में हो जाता था, अभी आजकल 10-12 भी पीने के बाद भी नहीं आता है तो तुम ऐसा ही बोलोगे, है ना? अब तो ऐसा ही बोलोगे, सर आजकल तो नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, पहले एक डिब्बे में होता था, आजकल 4 डिब्बे की जरूरत हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। फीलिंग बड़ी गजब है, आप भी बड़ी गजब है मैडम। बीच बीच में ऐसे ऐसे कर रही हैं, दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, ठीक से पढ़ाई करिए आप। चलिए आगे बढ़े। अब कोई मुझे ये बताएगा, अब मुझे कोई ये बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब समझ में आया टॉपिक को? बता रहा हूं बेटा, अब कोई मुझे समझाएगा, टोबैको को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से वर्ड यूज किया, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको, अब समझ में आया? अगर गलती से डिपार्टमेंट ये भूल जाता, गवर्नमेंट ये भूल जाती, ये वाला वर्ड खाली लगा देती ऑन गुड्स, लगा देती कौन, खाली गुड्स, ऐसे लिखती ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओपियम इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, तो कहीं ना कहीं सिगरेट के ऊपर जो अधिकार होता वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता। बोलो मेरी बात से तुम ऑल क्लियर हो? अगर ये वर्ड नहीं हो के ऑन गुड्स होता तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी टोबैको का अधिकार नहीं होता। ऑलरेडी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ये वर्ड मिसिंग होता तो इसका मतलब ये होता टोबैको भी यहीं पे आ जाता नार्कोटिक में, और नार्कोटिक में अगर टोबैको आ जाता तो एक्सेप्ट में चला जाता, एक्सेप्ट में चला जाता इसका मतलब टोबैको के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज नहीं लगाती। अब हटा दो ये पेन, अब समझ में आया क्यों अलग से वर्ड लिखा टोबैको एंड अदर गुड्स? एवरीबॉडी बोलो अमृतसर, बोलो जम्मू, आग लगा दो आज कॉन्स्टिट्यूशन को। अब मजा आया, गवर्नमेंट ने क्यों ये क्यों एंट्री पास हुई, ड्यूटी एक्साइज ऑन टोबैको, यानी कि टोबैको को सेपरेटली लिख दिया, भाई टोबैको पे मेरा अधिकार है, बाकी जहां तुझे लगाना अफीम गांजा चरस पे सब तुम लगा लेना, पर टोबैको के लिए उन्होंने एक सेपरेट वर्ड यूज किया टोबैको, यानी कि ठीक। तो अल्कोहलिक लीकर ड्यूटी एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जल्दी से मुझे बताओ कहां गया ये? आज तो टैक्स का नशा हो जाएगा, आज होगा टैक्स का नशा, क्या होगा बेटा, आज तो सब कुछ हो जाएगा, आज टैक्स से प्यार हो जाएगा, मुझसे तो तुम लोगों ने दुश्मनी करी ली है। चलो ये है बियर की बोतल, समझ ही रहे होगे तुम, ये है कफ सिरप की बोतल, ये है बियर की बोतल, ये कफ सिरप की बोतल, समझ ही रहे होगे। अरे क्या मुस्कुराहट है बियर की बोतल का नाम सुन के, लास्ट बेंच एकदम खुश हो गया है। बेटा इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, पटना नहीं मिलेगी बिहार में। ये जो कप सिरप की बोतल है, ये बियर की बोतल है, बियर की बोतल में कितना परसेंट अल्कोहल होता है जल्दी से बताओ? बियर की बोतल में कितना परसेंट अल्कोहल होता है? वाह देहरादून, ने लिखा 2%, हिसार ने लिखा 10%, 6%, अरे बाप रे बाप, लेवल ऑफ नॉलेज, क्या लेवल ऑफ नॉलेज है? किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि अंबाला, किसी ने लिखा है सर डिपेंड करेगा कि लाइट है या स्ट्रॉन्ग है। बाप रे बाप, ये तो आग लगा दी, लाइट और स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड। नहीं साहिल, हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है, लाइट होने से 8% स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग होने से 8% और लाइट होने से 6%, गजब गजब गजब। बी सीरियस, अब सीरियस हो जाओ, ये बियर की बोतल है और इस बियर की बोतल के भीतर मान लेता हूं 10% अल्कोहल है, 10% अल्कोहल है,
ये कप सिरप की बोतल है, कप सिरप की बोतल में नियरली 60% के करीब का अल्कोहल होता है, ठीक है, नियरली 60% के करीब का अल्कोहल होता है। बियर की एक बोतल का दाम 100 रुपया होता है और उसकी बोतल का दाम 60% की बोतल का दाम भी मान लेता हूँ 100 रुपया होता है। आज सीए कर रहे हो, आज एक बड़ी प्लानिंग सिखा रहा हूँ, ढंग से सुनना। एक बंदा जो क्लास फाइव से ही चालू है कभी लेना, उसे अब एक बोतल से मन नहीं भरता है, उसको अपने आप को फील कराने के लिए 6 बोतल 7 बोतल पीनी पड़ेगी, तो 70% तक नशा लाने के लिए 60% तक नशा लाने के लिए 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे कप सिरप की एक बोतल पीने पे उसको 60% का नशा आ जाएगा। बताओ टैक्स प्लानिंग हुई कि नहीं? एक बोतल कप सिरप पी लिया, 100 रुपये में काम हो गया, उतना तक जाने के लिए 6 बोतल बियर पीनी पड़ेगी। वाह रे जनता, वाह वाह रे सरकार, वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया सरकार आपने तो ऐसी ऐसी बातें बता के। पर बेटा अभी पिक्चर मेरी भाई बाकी है। देखो, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हैम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है ना। बट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, समझो बेटा एक्ट, समझो कॉन्स्टिट्यूशन को, समझो समझो बेटा प्रिपरेशन क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बाद में जीएसटी सोचना, ये सारी चीजें याद रखना। लोग एक आई प्रॉमिस, एक आई एम सीरियसली आई एम सेइंग वन थिंग, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, लोग रट रहे होंगे जीएसटी कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। आप आज की क्लास के बाद रटोगे नहीं। कोई अगर तुमसे पूछ ले तो मैं आपको भरोसा देता हूं 2 घंटे उसको रस्ते में बैठा के तुम लेक्चर दे सकोगे कि ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा हुआ। ये सारी चीजें जो अभी मैं लिख रहा हूं जीएसटी में आएंगी, मटेरियल में भर भर के दिया हुआ है, हम उन 10 पन्नों को फाड़ के फेंक देंगे और कहेंगे हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पता है कि ये क्यों हुआ है। प्लीज बी सीरियस बेटा, मजाक और सीरियस दोनों एक हिस्सा होता है। बट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल ओपियम और नार्कोटिक्स। कहने का मतलब है, तीन पे छोड़ो बोला, कहने का मतलब है प्यार से एकदम मस्त से पढ़ो बोला। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने चालू बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो आज शायद तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज का पता चलेगा। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको, हम टोबैको पे लेंगे, इवन दो इट इज ए नशीला पदार्थ, फिर भी टोबैको पे गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, यूनिफॉर्म होगा पूरे देश में टोबैको के ऊपर। एंड अदर गुड्स, अदर गुड्स मतलब ये पेन ये मोबाइल ये डस्टर ये अदर गुड्स, बाकी के ऊपर भी सरकार का अधिकार है। सही बात है, यानी कि सरकार लगाएगी, कौन सी सरकार, देश की सरकार, राज्य सरकार नहीं। तो ड्यूटी एक्साइज सिगरेट के ऊपर एंड अदर गुड्स, यानी कि बाकी जो ही कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब अगर बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा इन इंडिया, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर पे नहीं लगेगा, ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे नहीं लगाएंगे, बट मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर लगाएंगे। अगर आप मुझे बताओ जो कफ सिरप है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी? क्या कफ सिरप के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है, हाँ या ना? कप सिरप के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा सकती है, हाँ या ना? लगा सकती है। क्यों लगा सकती है? क्योंकि वो मेडिकल प्रोडक्ट है। मेडिकल है या लीकर है? लीकर, लीकर का मतलब समझते हैं, लिक्विड, अल्कोहल इन लिक्विड फॉर्म, लीकर मतलब लिक्विड होता है, मेडिकल है। उस कप सिरप में अल्कोहल होने के बावजूद भी वो किसमें जाएगा? मेडिकल प्रिपरेशन में जाएगा। आफ्टर सेव, डिंग डिंग, चलो सेव करते हैं, टिंग 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 टिंग, फिर आया
अप टू स्पेस, ओल्ड स्पाइस अप टू स्पेस, गले में ठंडक हो जाए, गले में सॉरी मुंह से निकल गया, गाल में ठंडक हो जाए। गाल में तो ठंडक होती है नो डाउट, क्यों होती है, क्योंकि अल्कोहल होता है। पता नहीं उस साइड में ऐसा क्या होता है कि गाल में ठंडक होती है, अचानक कोई हाथ यहाँ आके पकड़ लेता है, बताइए। गाल में ठंडक, यहाँ भी ठंडक हो जाती है। वट एवर, ये सब ऐड है, छोड़ो इन ऐड का क्या करना। पर कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें कहाँ ले गए इनको, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल ओपियम एंड नार्कोटिक्स। यानी कि माना कप सिरप में अल्कोहल है, माना आफ्टर सेब में अल्कोहल है, ये उसके होने के बावजूद भी इसके ऊपर अधिकार किसका होगा, अधिकार किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बोलो पता है। इसी के पैरेलल में एक और एंट्री पास हो गई, एंट्री नंबर 51, ठीक से देखना, ठीक से। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन, ठीक से देखना, क्या बात समझ में आई, कोई मुझे बताएगा। आफ्टर सेफ हो गया ना बेटा, आफ्टर सेफ टॉयलेट प्रिपरेशन में आ गया ना। मुझे एक बात आपको समझ में आई, क्या हुआ जल्दी से बोलो मेरे बच्चों, मुझे पता है कि आपको सब समझ में आएगा। क्या समझ में आई द्वारका, बोल मेरे भाई, सब कोई बोलो। कुलदीप मजा आ रहा है, हंस, मैं पिक भेज दे रहा हूं, सुमित बेटा पिक्स भेज रहा हूं। बियर पीने के लिए तो दो ही चीज होती है, विस्की बियर और क्या होता है जे गुड़गांव है। आज समझ में आ रहा है एक्ट कैसे बना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा होगा, देख रहे हो माना। यस बेटा यस, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पीने के लिए, और ओपियम इंडियन हैम्प एंड नार्कोटिक, ये जो होता है ना बेटा, ये सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हटा के ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में ला दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में ला दिया गया। यस बेटा यस बेटा, ये स्टेट में चला गया, यानी कि ये जो ड्यूटी है अल्कोहलिक लीकर के ऊपर ये स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में गया। मजा आया, एक बात देखना चाहोगे, चलो मैं तुम्हें पहली लाइन लिखाया था, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बोर्ड पे देख के बताओ कुछ समझ में आया। मैं सारा भेज दूंगा बेटा, ये लाइन को देख के बताओ, अब समझ में आया, अब समझ में आया कि क्या चक्कर है, व्हाट इज जीएसटी। स्टार्ट तो मैंने ये कहा था ना, स्टार्टिंग की थी ना, कि जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर, ठीक, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। इसका मतलब यह हुआ कि आज भी अल्कोहलिक लीकर जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा ना बाबा ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे ले जाओ, पर मैं अल्कोहल नहीं छोड़ सकता। तब जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में ये बात हुई, ओके चलिए अल्कोहलिक लीकर का सबसे बड़ा रेवेन्यू, स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू था आज तक, हम उसको आज भी हाथ नहीं लगाते हैं। एवरीबडी क्लियर व्हाई ईच एंड एवरी वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक जीएसटी के वर्ड की बात करता हूं तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जीएसटी का मतलब होता है टैक्स। टैक्स क्या है? फिस्कल चार्जेस है। कौन लगाएगा? मैंडेटरी गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है, और किसके ऊपर लगाएगी बाद में सोचेंगे। अल्कोहलिक लीकर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया स्टेट के साथ कि अल्कोहलिक लीकर को हम जीएसटी में नहीं लाएंगे, ये आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू है। तो क्या ऐसे ही लिख दिया कि नहीं लाएंगे?
ऐसे ही मैं तुमको पढ़ा दूं कि बेटा अल्कोहलिक लेकर पढ़ के चले जाओ पटना, पढ़ के चले जाओ जम्मू, पढ़ के अमृतसर, पढ़ के जम्मू कि मैंने बोला है, बयानी ने बोला है कि तुमको अल्कोहलिक लेकर नहीं लगाना है? नहीं, गला फाड़ के बोलोगे कि एंट्री नंबर 82 में ड्यू टू एक्साइज ऑन टॉबैको ऑन अदर गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर था, जिसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को था और स्टेट गवर्नमेंट ने वो अधिकार आज भी अपने पास रखा है। अब किसी ने लिख के भेजा है, किसने लिखा? पटना ने लिखा है लीकर पे स्टेट जीएसटी लगेगा। ना बेटा, जीएसटी में अल्कोहलिक लीकर जीएसटी में है नहीं बेटा, अल्कोहलिक लीकर इज नॉट इन जीएसटी एक्ट बेटा, जीएसटी में तो है ही नहीं। अल्कोहलिक लीकर के ऊपर तो आज भी एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान है और वो एक्साइज ड्यूटी ठीक है ना, ठीक है, उसके ऊपर आज भी एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान है। इसलिए कभी भी मैं बोलूं कि अल्कोहलिक लीकर तो आप दिमाग मत लगाना, जीएसटी में अल्कोहलिक लीकर की कोई बात ही नहीं होगी, इग्नोर इट, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता बेटा। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, बस डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो। जीएसटी में मैंने फेस टू फेस दो क्लास किया था पर फर्स्ट डे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। तुम बयानी के स्टूडेंट हो, तुमने देखा नहीं डीटी कैसे पढ़ाता हूं, ठीक है, और जीएसटी तो देखो पहली बार है। तुम जाके सीए करोगे, तुम सीए बनने वाले हो और सीए बनोगे, तुम्हें हर चीज का आइडिया होना चाहिए। क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है? क्या तुम्हारा खाली इतना अधिकार है कि सारी चीजें इजी होनी चाहिए और आप समझ लो? हैं, ये अधिकार है ना अपना सबका, पैसा दिए मुफ्त में नहीं पढ़ रहे। चलिए स्टार्ट, आगे देखो, आगे आगे, अभी तो असली मजा तो अब स्टार्ट होने वाला है। चलिए, असली मजा तो अब स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, होने वाला है। देखो अब मजा आएगा, अब कहीं ना कहीं जीएसटी की सेटिंग करेंगे हम लोग। सेक्शन 92A बेटा, बेटा ए क्यों, क्यों? कोई भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो एक दो तीन चार बना होगा या एक 1A 1B 1C ऐसे बनाएगा? बताओ, तुम ही बताओ यार, तुम ही बताओ, ऐसे कूद के बनाएगा क्या 1A 1B 1C? ऐसा कभी बनेगा या ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6? यस, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, ऐसे बनता है। तो मेरे भाई ए जब भी आया इसका मतलब ये अमेंडमेंट के लिए आया, दिस इज ड्यू टू द अमेंडमेंट, ओके, यानी कि ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट है। ए माने जैसे ही हटा वो अमेंडमेंट को इंडिकेट कर रहा है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए होंगे, अमेंडमेंट के कारण गवर्नमेंट को 92A में इसको डालना पड़ा। ए आया, कौन आया था अभी? पटना। तो क्यों, क्यों? मैं आपको इसके बारे में यहां से डील करूंगा। सक्षम प्रिंस एंट्री नंबर 54, देखो टैक्स ऑन सेल और परचेज, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। ये मैंने ये एक्ट लिख रहा है न्यूज़पेपर, इसीलिए तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, 3.5 रुपया में 40 पेज, उसमें कितना कितना कलर फोटो आता है, हैं? कलकत्ता टाइम्स, पटना टाइम्स पे कितना कलर फोटो आता है, 3 रुपया में सब कुछ देख लेते हो। अदर देन न्यूज़पेपर, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1।
वाह, दिल खुश हो गया, ये तो देख के ना दिल खुश हो गया, पगला हो गया, मजा आ गया। ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज कितना खतरनाक है बताइए तो, कितना खतरनाक। टैक्स ऑन सेल, सेल पे टैक्स, ये किसका अधिकार है? सेल पे टैक्स किसका अधिकार? स्टेट गवर्नमेंट का। और परचेज, अच्छा परचेज पे भी, ओ माय गॉड, ऑफ गुड्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री नंबर 92A ऑफ लिस्ट 1। एंट्री नंबर 92A लिस्ट 1 क्या होगी ये देख लेते हैं, फिर और मजा आएगा। ये लिखता है टैक्सेस ऑन सेल, ये सब आपको जीएसटी में एक संग मर्ज होगा, दिमाग में सेट करके चलना, भूलना मत। टैक्सेस ऑन सेल और परचेज अदर देन न्यूज़पेपर, अदर देन न्यूज़पेपर, ठीक, वेयर सच सेल टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। एवरीबॉडी, आपको इस दोनों का रिलेशन समझ में आया? पता है ये कब बना? 92A की एंट्री कब आई थी? 92A की एंट्री 1956 में एंट्री आई थी, समझो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में बना, ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में बना, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 92A की एंट्री को 1956 में डालना पड़ा? कुछ तो हुआ होगा, मुझे पता है आपको कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे लगता है अब लेना देना है। क्या रे पटना लास्ट बेंच, एवरीबॉडी एक बार बताओ। चलो मैं अगर अभी नॉर्मली पढ़ाता तो चलो कोई लेना देना नहीं था, पर अब आपका इंटरेस्ट आ गया होगा ये जानने के लिए कि सर एंट्री नंबर 54 बोला टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, पर अचानक आपने कहा 92A की एंट्री आई, यानी कि सब्जेक्ट टू नया एंट्री वर्ड हुआ 1956 में, 1950 के बाद 1956 में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको एक नई एंट्री पास करनी पड़ी? बोलो, अब आपको सीखने की इच्छा आ रही है? भीतर से आनी चाहिए, मेरे बोलने से नहीं आनी चाहिए। जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो आपके मन में आना चाहिए कि क्या सीखने की इच्छा आ रही, ऐसा क्या हो गया कि इसके बाद सीधा ये लेके आ गया 1956 से। आ देखो, मुझे बताना एक चीज को बताना बेटा, ये पंजाब है, मैं भेज रहा हूं ना अश्विनी, बेटा मैं भेजूंगा, मेरे नोट्स को मैं भेजूंगा, व्हाई यू आर बॉदरिंग अबाउट, बच्चों को छोड़ो ना बेटा। पंजाब है ये, पंजाब में ये मेरा सुखी है, शिवम है, कुलदीपे है, और भी बहुत अखिल है, ये पंजाब है। मुझे ढंग से बताना, इसने किसी सामान को अमृतसर से मान लो लुधियाना बेचा, ये विद इन द स्टेट था या आउटसाइड द स्टेट था? जल्दी बोलो, ये विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है? जल्दी बोलो सुमित, बेटा जल्दी जल्दी लिखो, समझाओ मुझे भी, ये विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है? विद इन स्टेट है। और ये क्या हुआ है? सेल हुई है, सेल के ऊपर
सेल्स टैक्स लगेगा, सेल के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, कौन लगाएगा? ये स्टेट का अधिकार है या सेंट्रल का अधिकार है, जल्दी बोलो। स्टेट का अधिकार है या सेंट्रल का अधिकार है, जल्दी बोलो। ये स्टेट का अधिकार है या सेंट्रल का अधिकार है? क्या लिखा, भूल जा ढंग से बच्चा, ये भूल जाना बच्चा, वर्ड को समझना। टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट तो बाद में है, मान लो सब्जेक्ट तो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था जिंदगी में, अगर इस लाइन को पढ़ते तो टैक्स ऑन सेल किसका अधिकार था, स्टेट गवर्नमेंट का। अग्रीड, एवरीबॉडी अग्रीड, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये बंदा, ये बंदा, मैं रीजन दे रहा हूं क्यों ऐसी बातें होती हैं कि एक्ट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरा पंजाब का बंदा है, ये मेरा सुखी है, ठीक है ना, और ये मेरा मानव है एमजी पानीपत यानी कि हरियाणा का बंदा। ये इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी कि ये सेल कर सेलर है और ये बायर है, ठीक है। सेल्स टैक्स लगेगा, नो डाउट, आपने कहा सेल किया है तो सेल्स टैक्स लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। मुझे बताओ ये तो आउटसाइड स्टेट हो गया, विद इन स्टेट की जगह अब ये क्या हो गया, आउटसाइड स्टेट हो गया। अब मुझे आप लोग सीधा सीधा एक छोटी सी बात बताएं, छोटी सी बात बताएं, वेट ढंग से देखना, छोटी सी बात बताएं, छोटी सी बात, पंजाब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी या महाराष्ट्र, ये हरियाणा गवर्नमेंट। वी वेरी क्लियर अबाउट द प्रोविजंस राइट नाउ, आई एम सीरियस, दैट मीन्स यू मस्ट बी सीरियस। कैन यू टेल मी द पंजाब गवर्नमेंट इज गोइंग टू चार्ज द टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट? हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है लड्डा, सॉरी, बस यहां पे आपकी गाड़ी रुक गई, यही समझना है, इसी को कहते हैं समझना। हरियाणा गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट, दो मिनट में आपके पास सवाल जवाब आंसर आने चाहिए। फिर से देखो, एंट्री नंबर 50 तो क्या अधिकार दे रहा है, क्या अधिकार है, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स। लो भैया, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा सेल, कहा ना, और अगर मान लो ये तो हरियाणा, अगर केजरीवाल होते तो बोलते ना, केजरीवाल जो हर जगह राइटा फैलाएंगे तो बोलते भैया मुझे भी टैक्स दो, भैया मुझे भी टैक्स दो, क्योंकि ये परचेज हुआ है, ये अगर सेल है तो ये मेरे भाई परचेज भी तो है। बोलो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, अब बताओ मैं गलत बोल रहा हूं, लक्ष्मी नगर आगे मत बढ़ो, पहले ये बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं, सेल और परचेज, क्या मेरी बात गलत लग रही है आपको, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बातें आपको गलत लग रही है, क्योंकि मैं तो वर्ड पे खेल रहा हूं, मैं तो अपनी मन से कोई बात नहीं बता रहा हूं ना। इन्होंने कहा टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, तो यहां दोनों सही है कि नहीं है? पंजाब कहेगा मैंने बेचा, केजरीवाल जी कहेंगे, खट्टर साहब कहेंगे मैंने खरीदा, एक्ट में लिखा हुआ है परचेज पे भी, सेल पे भी टैक्स है, तो परचेज पे भी टैक्स है, सेल तो पंजाब गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और स्टेट ये हरियाणा गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। बोलो लड़ाई हुई कि नहीं, गलत है या सही है, गलत है या सही है, ये गलत है, ये गलत है या सही है? दोनों स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स दे तो गलत है या सही है? गलत है, गलत है, ठीक है ना, गलत है। ढंग से देखना भाई, ढंग से देखना, ढंग से देखना, तो क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गलत है, एक आंसर दो बड़ा सोच के, क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गलत है, क्या आपके अमरिंदर साहब गलत हैं, क्या आपके खट्टर साहब गलत हैं, क्या दोनों गलत हैं, खाली इतना सोच के बताओ, क्या दोनों गलत हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गलत है,
नहीं, स्टेट गवर्नमेंट गलत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जा रही है, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। यह भी सही है परचेज और यह भी सही है सेल। 1950 में तो समझ में नहीं आया था ना कि क्या होगा, ऐसी घटनाएं आ सकती है जब बना होगा। अचानक 1956 में समझ में आया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने ये क्या बना दिया, हमने ये क्या लिख दिया, इसको तो बहुत गलत तरीके से हो गया। सेट शुभम, शुभम पढ़ाई पे ध्यान दो। अचानक गवर्नमेंट को, तब उन्होंने क्या किया, यहां से एक लाइन ऐड की। अब समझ में आया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री नंबर 92A ऑफ लिस्ट 1। अब ये लाइन ऐड की, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ, मतलब आप सेल और परचेज पे टैक्स लगाएंगे, परंतु उसके पहले 92A की लिस्ट को भी आप पढ़ेंगे। अब 92A की लिस्ट का वैल्यू अब तुम्हें समझ में आया, अब समझ में आया क्यों ये बाद में एंट्री हुई, क्यों 92A बाद में लाया, इसीलिए इसको ए है। देखो, टैक्स ऑन सेल और परचेज वेयर वेयर सच सेल टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ओ, अब पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया, यानी कि गवर्नमेंट ने 92A में इस बात को लिख दिया कि सेल और परचेज ऑफ टैक्स जो होगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान जाएगा तो उसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इसीलिए तो 1956 में जानते हो क्या आया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स आया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स CST आ गया था 1956 में, इसीलिए तो CST आया था। अब बताओ, तो वेयर सच सेल टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, अब रिलेशन समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से जाऊं, एंट्री 54 के हिसाब से बोथ पर, 92 के हिसाब से बोथ नहीं सेंट्रल। अब बोलो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से बताओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर या नॉट क्लियर या ओनली क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर या ओनली क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को समझ रहे हो? ए सुमित, बगल वाले को बोलो वो पैम्पलेट देके क्या देखेगा बेटा। बेटा पैम्पलेट तो जिंदगी भर देखते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो पैम्पलेट बांटने की नौबत आ जाएगी, ठीक है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई, ये बहुत बड़ी बात पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट GST भी कर सकता था, पर मैं GST स्टार्ट नहीं किया हूँ, जानते हो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्या बना था, ये काम तुम्हारे जिंदगी भर आएगा, जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर किसी के सामने खड़े होके बोलने की हिम्मत रखोगे। चलो आ जाओ, पीछे के बेंच वालों से भी पूछ लेना, सानिया तो तानिया तुम सोनिया तुम भी पूछ लेना, बोलो, ठीक है ना। हाँ मैं भेज रहा हूँ देहरादून में, अविरल है ना, ना कोई और कोई है। थैंक यू बेटा। दिस एंट्री लक्ष्मी नगर पंजाब जम्मू, तुम लोग भी कुछ बोलो यार, क्लियर, वाई दिस एंड वाई दिस। यस गुड़गांव, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस गुड़गांव से चल रहा है, जमशेदपुर। अब ठीक से देखना, अब हम जा रहे हैं, बहुत उम्दा जगह जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वाह
बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई अगर दिक्कत नहीं है तो इट्स अ फैंटास्टिक। तो मुझे बताओ, मुझे एक समरी बताओ, टेल मी गुड्स। तो इस बात से क्या निकल आया, विद इन द स्टेट होगा, विद इन स्टेट होगा और आउटसाइड स्टेट होगा, तो कौन कौन से एंट्री में आएगा। विद इन स्टेट अगर होगा तो कौन से एंट्री नंबर है, विद इन स्टेट अगर सेल अगर विद इन स्टेट होगा तो कौन सी एंट्री है, जल्दी बोलो कौन सी एंट्री है मेरे भाई, एंट्री नंबर 54, आउटसाइड होगा तो 92A। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, जो यहां से जो कलेक्शन होगा सीएसटी का जो कलेक्शन होगा, ये कौन रखेगा। विद इन स्टेट को हम लोग कहते हैं वैट कलेक्शन, ये कौन सा स्टेट रखेगा, पहले ये वर्ड पे क्लियर हो जाए। हैं, इस वैट का कलेक्शन किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर अगर मैं सीएसटी की कलेक्शन की बात करूं तो ये किसके पास जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, इट इज मस्ट गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एंट्री नंबर 92 केवल उस द्वंद को मिटाने के लिए जनरेट की गई थी जहां पे दोनों स्टेट अपने अधिकार के ऊपर ना आ जाए। खाली एंट्री 92 का मतलब ये नहीं था कि किसी स्टेट की रेवेन्यू का नुकसान किया जाए, 92A का क्लेरिफिकेशन था कि 54 में जो एंट्री बनाई गई थी उसके द्वंद को दूर करने के लिए। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, पर मैं आपको एक भीतर की बात बता देता हूं, रिटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम विच द मूवमेंट स्टार्ट। आज से ये दिमाग में डाल लो, यानी कि ओरिजिन बेस्ड सिस्टम है, क्लियर ठीक है, इस बात को क्लियर करना कि अगर एंट्री नंबर 54 के साथ अगर 92A को नहीं लाया जाता तो दोनों स्टेट लगाती। इस 54 के इस द्वंद को दूर करने के लिए 92A को इंट्रोड्यूस किया गया। 92A कहां आया, यूनियन लिस्ट में आया। 92A जब यूनियन लिस्ट में आया, नहीं कि सीएसटी का कलेक्शन या पूरा का पूरा अधिकार क्या, इसलिए तो उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या कहते हैं, जब मैं वैट है तो वैल्यू एडेड टैक्स, और यहाँ सीएसटी का मतलब क्या, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। आंखों देखा हाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगा। पर मैं आपको भीतर की बात बता देता हूं कि ये जो कलेक्शन होगा, ये पैसे कौन रख लेगी, स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यानी कि मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पे सीएसटी कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट रेवेन्यू कौन सी स्टेट रख लेगी, पंजाब गवर्नमेंट। एवरीबॉडी क्लियर, गवर्न कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्निंग पावर इज इन एज पर एंट्री नंबर 92A इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट स्टेट को भी तो अपने स्टेट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सब कुछ मैं करूंगा परंतु पैसे तुम रख लेना। कौन सी स्टेट रखेगी, जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा, यानी कि पंजाब से गुड्स गया है तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट सीएसटी रख लेगी। बोलो एवरीबॉडी क्लियर, एक बार फटाक से बोल दो। ये पिक्चर हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। चलो एक समरी हो जाए, चलो जल्दी से बताना समरी ऑफ 92A 54 जल्दी से मुद्दे बताओ। ए, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट,
बी सेल्स टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जल्दी बताओ। अच्छा रेवाड़ी तुम लोग हो, तुम लोग को तो देख के नहीं लग रहा है क्योंकि तुम कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग हो। ओ ये नालायक पुष्प है, दिखाई समझ में नहीं आ रहा है। ओ मेरे भाई तू इतना बदमाश कैसे हो गया हैं? तू इतना बदमाश कब से हो गया? तू तो पढ़ने वाला लड़का है हैं? तू तो आज बिजी हो गया बात करने में। चल ठीक, मेरी क्लास में ब्रेक नहीं मिलता है रेवाड़ी, मैं ब्रेक देता ही नहीं हूँ बेटा, मैं खुद एक ब्रेक हूँ। बताओ एक्साइज ड्यूटी किस कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल स्टेट? डू इट फास्ट, रिकैप है, जल्दी करो, अपने 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 दिमाग को लगाओ, जल्दी बोलो हैं, जल्दी बोलो, सबसे पूछ के बोलना, पुष्प सोनिया उनसे पूछ के बोलना, जल्दी बोलो। एक्साइज ड्यूटी कौन, एक्साइज ड्यूटी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। मेरे भाई यही तो राज है, एक्साइज ड्यूटी दोनों दोनों, भूल गए? इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं फिर भूल गए हैं? रेवाड़ी क्लियर है बेटा सब कुछ या थोड़ा थोड़ा? बेटा अल्कोहलिक लीकर पे स्टेट गवर्नमेंट, अल्कोहलिक लीकर पे स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा 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 बेटा ध्यान रखना, हड़बड़ाना मत। सेंट्रल गवर्नमेंट सबके ऊपर, टोबैको एंड अदर गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर ओपियम नार्कोटिक्स, ठीक है ना? तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स दोनों या एक, हाँ या ना? अग्रीड, दोनों या एक? यस रामानंद, बोथ। कब बोथ? सेंट्रल गवर्नमेंट कब आएगी? जब इंटर स्टेट होगा। और स्टेट गवर्नमेंट कब आएगी? इंट्रा होगा, इंट्रा मतलब खुद के घर में, ठीक है ना? खुद के घर में बोथ, यस। तो इंट्रा मतलब सीए, इंटर मतलब सीएसटी और इंट्रा मतलब वैट विद इन। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है ना? अगर आप देखो तो एक्साइज ड्यूटी, मुझे खाली इतना एक छोटा सा आंसर चाहिए मुझे, एक्साइज ड्यूटी एक्टिविटी बेस्ड टैक्स है, हाँ या ना? एक्साइज ड्यूटी एक्टिविटी बेस्ड टैक्स है, हाँ या ना? एक्टिविटी बेस्ड टैक्स है, हाँ या ना? एक्टिविटी, अब बच्चे सोच रहे होंगे एक्टिविटी क्या होता है? बेटा एक्साइज ड्यूटी जो है ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे है, तो एक्टिविटी करने के ऊपर है, एक्टिविटी करने के ऊपर है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये कौन सा टैक्स है? एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है ना? यस बेटा एक्टिविटी बेस्ड। सेल्स टैक्स भी ऑन सेल है, तो सेल कर रहे हो, ये भी तो एक एक्टिविटी है, हाँ सर ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड टैक्स है। बोलो अभी भी मन में कोई इच्छा है तो बोलो, क्लियर है? ये समरी क्लियर हो गई, ये समरी क्लियर हो गई। चलो तो इसका मतलब इसको और भी एक समराइज किया जा सकता है, इसकी एक और समरी। रेवाड़ी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लियर ब्यावर? क्लियर? अभी एक बार बताओ क्योंकि फिर मैं कॉन्सेप्ट में जाने वाला हूं। लो चार्ट लो पटना चार्ट, ठीक है ना? फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट में जाने वाला हूं, एक बार सब कोई बोल दो, मैं एक लाइन से बोलना चाह रहा हूं। लक्ष्मीनगर क्लियर और सुपर क्लियर, रांची क्लियर और सुपर क्लियर,
अमृतसर सुपर क्लियर, भिवा, भिलवाड़ा, गाजियाबाद, कोलकाता, कोलकाता वालों तुम लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। कोलकाता क्लियर, सुपर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, रांची, अमृतसर, हिसार, तुम्हारे रेवाड़ी, जल्दी बोलो, जयपुर जल्दी बोलो भाई, ब्यावर जल्दी बोलो, जमशेदपुर बोलो जल्दी से, धनबाद कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो है? बोलो सुखी, बोलो द्वारका, जम्मू, इससे ओनली क्लियर और क्रिस्टल क्लियर दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले ये बताओ फीलिंग इज गुड और नो बैड, बोलो फीलिंग इज गुड और बैड। फीलिंग आ जाती है जब आप पूत के पांव पालने में दिखते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखना जब लगते हैं, इसके बाद क्यों बनारस, क्या बात है बेटा? चलो कोई बात नहीं है, आप अपनी अपनी बातों में रहें, एवरीबॉडी थैंक यू फॉर एवरीवन। चलिए इंदौर भी आ गया, कौन, निकट एंड जागृति, चलो रमन सेस नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट। मैं एक और समरी आपको देता हूं, मैं आपको एक और समरी देता हूं, ओके ओके ठीक है, चलिए एक और समरी देता हूं, इस समरी को ध्यान रखना है। चलो यूनियन लिस्ट, अब तो तुम लोग लिस्ट में खेलना चालू कर चुके होगे। हाँ जम्मू, जवाब नहीं आया, अब तुम लोग करना चालू कर दिए होगे। स्टेट लिस्ट, बताओ यूनियन और स्टेट लिस्ट जब बोलता हूं तो कौन से आर्टिकल की बात करता हूं, चलिए फास्ट जवाब दीजिए। मैं जब यूनियन और स्टेट लिस्ट की बात करता हूं तो कौन सी आर्टिकल की बात करता हूं, कहां पे ये पावर दिए गए हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी, विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में यूनियन, यस राहुल यस फैंटास्टिक, नहीं गुड़गांव 245 में, नहीं 245 में नहीं 246 में बेटा, किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 246 में ये पावर दिया गया बेटा, 265 कहां से आ गया, 246 बेटा, यस 246 में ये पावर दिया गया है। आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे चलूंगा बताओ, आर्टिकल 246 में पावर दिया गया है आप ऐसे, ये तो 265 में तो ये कहा गया ऑथोरिटी ऑफ लॉ के हिसाब से होगा द्वारका, ठीक है ना, ये तो 265 का ऑथोरिटी ऑफ लॉ लॉ बनाना पड़ेगा, पावर तो 246 में दिया गया है, जल्दी बोलो, अब जल्दी जल्दी बोलना। नंबर ए पुष्प, पुष्प सब ठीक है बेटा, कुछ खा नहीं रहे हो लगता आजकल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर, अल्कोहलिक लीकर, ओपियम, हैम्प, ठीक, अदर गुड्स, ये और अच्छी बन गई चार्ट, और अच्छा बनेगा, अदर गुड्स, ठीक। दूसरा बी सेल ऑफ गुड्स, इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा एंड इंटर, फिर सी सर्विसेस, क्योंकि सर्विस देते थे उसके बारे में थोड़ा डायल कर लेते हैं, चलो बोलो। चलिए मैं जो बोलूंगा वो सही है क्या, अल्कोहलिक लीकर, ओपियम, हैम्प यूनियन लिस्ट में, हाँ या ना, खाली जवाब देना हाँ या ना, जल्दी जवाब दो, दिमाग में सेट करो, अल्कोहलिक लीकर, ओपियम एंड हैम्प, हाँ या ना, बोलो। किसी ने कहा है, दीपा ने कहा है हाँ, और रामानंद सबने कहा है ना, इतना कुछ समझाने के बाद तुम लोग हाँ कहा, ऐसे भी जिंदगी में दो ही आंसर होते हैं। सुमित
जो सोनिया के पीछे जो मैडम बैठे उनको बोल देने एक बात, जिंदगी में आंसर दो ही होते हैं, एक या तो हाँ होता है या ना होता है। हाँ बोलने से एक बार तकलीफ होती है मैडम, ना बोलने से एक बार तकलीफ होती है, हाँ बोलने से जिंदगी भर तकलीफ होती है। अब आप देख लो, जिसने भी कहा हाँ, ओ भैया अल्कोहलिक और लीकर के ऊपर यूनियन लिस्ट नहीं है, स्टेट लिस्ट है, और आर्टिकल 246 किसको पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। चलो आगे आइए, अदर गुड्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर यूनियन लिस्ट है, और ये किसको पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। वाह रे वाह वाह, सेल इंट्रा सेल अगर हो तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा का सीधा इसको पावर देता है, ये वैट कलेक्ट करेगा, सेल्स टैक्स का दूसरा नाम है वैट, अभी वैट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। इंटर है तो CST आएगी, ठीक है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, यहाँ मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल है, ठीक है। सर्विस केवल स्टेट है, केवल सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है, इसकी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। ये कौन सी एंट्री में है, ये एंट्री नंबर 97 में लाई गई थी, ठीक है ना, एंट्री नंबर 97, और यहाँ पे मैं, ठीक है, सर्विस टैक्स को, सर्विसेस को, बोलो, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ तो आपको मुश्किल नहीं होगी, लगाया सेंटर ने बट कलेक्ट स्टेट करेगा, बोलो। इसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लफड़ा, बताओ, इतना लिखने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लफड़ा, बोलो हिसार, इतना कुछ लिखने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लफड़ा, इतना कुछ लिखने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन से लफड़ा, पूरा दिमाग में समझ में आ गया ना, हैं? अब कोई लफड़ा नहीं, हैं? अब कोई लफड़ा नहीं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं क्यों 14 साल तक ये टैक्स ठंडे बस्ते में रहा, क्यों रहा, ढंग से सोचना एवरीबॉडी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यू आर ए CA स्टूडेंट, बाकुड़ा, कोई भी बाकुड़ा में है जो मेरे ग्रुप में, राहुल, उनसे बाकुड़ा में कौन है, देखो ठंडे बस्ते में नहीं सर, थोड़ा पहले और बैकग्राउंड में चलते हैं सर, यूनियन लिस्ट के हिसाब से अल्कोहलिक लीकर ओपियम हेम्प के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी सारे गुड्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या जो भी आर्टिकल 246 के हिसाब से अधिकार किसको था, सेंट्रल गवर्नमेंट को था, लिसन प्रॉपरली, स्टेट कोई अधिकार नहीं था। इंट्रा में वैट लगेगा, लोकल सेल्स टैक्स है, विद इन द स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट लेके बैठ जाएगी। इंटर में CST है पर अल्टीमेटली वो स्टेट को ही जाता है। सर्विसेज में कौन है, ये जब GST की रचना हुई 2004 में, केलकर कमेटी ने जब GST को लाया, तो 2004 में जब केलकर कमेटी GST को लेके आई, तब ये मुद्दा था कि एक गुड्स एंड सिंपल टैक्स होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होना चाहिए। 2006 में, यानी कि 2006 के फिनांस बिल में, जो 28 फरवरी को 2006 में पी चिदंबरम साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया बजट में, इसे हम लोग कहते हैं बजट 2006-2007-2008 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया, बस जैसा था वैसा इंट्रोड्यूस करके भूल गए क्योंकि सबसे पहला ये बात था कि जो यूनियन लिस्ट में इसको डालने की बात हुई, बताओ यूनियन लिस्ट में GST को डालने की बात हुई, स्टेट मानेगी क्या, जल्दी बोलो, यूनियन लिस्ट में अगर मैं इसको डालूं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा इसका कंट्रोल मैं अपने पास रखना चाहता हूं, तो क्या यूनियन लिस्ट स्टेट मानेगी क्या, स्टेट क्या बोलेगी, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर अगर आ गया यूनियन लिस्ट में
तो तुम हमें नहीं जानते। हाँ भैया कभी नहीं। चलो स्टेट स्टेट ने कहा नहीं, स्टेट ने कहा नहीं, आप यूनियन लिस्ट में नहीं डाल सकते हो क्योंकि हम इस यूनियन लिस्ट में डाल दिया तो हमें वैट का नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान? वैट का। ओहो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं मैं स्टेट में नहीं डालूंगा, क्यों? मुझे तो एक्साइज और सीएसटी का नुकसान होगा। अब दोनों सही है कि नहीं है? दोनों सही है कि नहीं है? सेंट्रल ने कहा मैं स्टेट में इसको नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे एक्साइज का नुकसान हो रहा है और सीएसटी का, मेरे तो दो नुकसान हो रहा है। स्टेट ने कहा ना बाबा जय महाराष्ट्र, मैं इसको नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि मुझे वैट का नुकसान हो रहा है। दोनों कंट्राडी हो जाएंगे। तब सबने कहा कि एक काम करो, मेरे जैसे एक विद्वान आदमी ने कहा कि एक काम करते हैं, इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3 में डाल दो, न यूनियन न स्टेट, कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। जिस विद्वान आदमी ने यह कहा तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ना कंकरेंट में नहीं डालना है। बोला क्यों? बोला कंकरेंट में रीजनल है माना, परंतु यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर करेगी हम तो ऐसे बन जाएंगे। तब तो जो सरकार होगी वही सरकार अपने स्टेट को देगी, बाकी अगर ओपोनेंट सरकार होगी तो नहीं देगी। बोलो एवरीबडी इज क्लियर विथ माई व्यू? एवरीबडी इज क्लियर विथ माई व्यू? एवरीबडी इज क्लियर विथ माई व्यू? बोलो एक बार सबको ही बोलो, एवरीबडी इज क्लियर? क्या यूनियन लिस्ट में स्टेट मानेगी? यूनियन लिस्ट में स्टेट मानेगी? बोला नहीं। आर्टिकल 246 में मैं यूनियन लिस्ट में डालू क्या स्टेट मानेगी? बोला नहीं। स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में डाल दू, लिस्ट 2 में डाल दू तो क्या यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट मानेगी? नहीं। कंकरेंट लिस्ट में एक बार डाल भी दिया क्योंकि दोनों का अधिकार है, और कंकरेंट लिस्ट में अगर मैं डाल दू दोनों का अधिकार है तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आज हम तुम्हारे सनम कल बन जाएंगे दुश्मन, आज तो हम तुम्हारे सनम हैं बट बन जाएंगे कल हम तुम्हारे दुश्मन, तब क्या करोगे भैया? तुम तो यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में मेरे लगा दोगे, मैं तो नहीं मानूंगा ना। वो उदास होके बैठ गई। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। दिन बीते रात बीती, मोदी साहब आए। मोदी साहब भी इसके ऑपोजिशन में थे कि नहीं हम नहीं डालने देंगे। मोदी जी को कम ना समझो, वो भी बहुत अपोज किए थे इसका। फिर मोदी जी आए, सब स्टेट की मीटिंग होना चालू हुई। धीरे 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 करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। तब किसी विद्वान आदमी ने एक बात कही, विद्वान आदमी ने कही कि एक काम करो, इस 246 में तो लड़ाई चल रही है, 246 में ना यूनियन में कोई मान रहा है ना स्टेट में मान रहा है, पर देश का भला होगा, ठीक है ना, पर देश का भला होगा जीएसटी लाने से, कंज्यूमर का भला होगा जीएसटी लाने से। तो यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, एक छोटी सी बात पे 13 साल बर्बाद कर दिए हो। इन 13 सालों में तो कितना कुछ हो जाता, देश आगे बढ़ जाता। इस आर्टिकल 246 के चक्कर में तुम लोगों ने बैंड बजा दी, न स्टेट मान रहे हैं ना वो भी दुखी ये भी दुखी, दोनों एक दूसरे के जिद है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, नया आर्टिकल बना देते हैं। हाँ? क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, इसीलिए गुड़गांव एक नए आर्टिकल की रचना हुई, एक नए आर्टिकल की रचना हुई। क्या हुई? एक नए आर्टिकल की रचना हुई। इस आर्टिकल की रचना हुई और इस आर्टिकल का नाम रखा गया 246A। ए क्यों आया? अमेंडमेंट है। बोलो अब समझ में आया गुड़गांव, जो तुम मैंने स्टार्ट किया था, तुमने 246 दिया था, आज के बाद क्या तुम 246 पढ़ोगे? आज के बाद क्या तुम 246A पढ़ोगे? जल्दी से मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, आज के बाद क्या तुम लोगों की तरह 246A रटोगे, या आज के बाद तुम कहोगे मुझे पता है 246 होता क्या है? हाँ? Everybody is happy with the entire background?
अभी तो एक बैकग्राउंड दिया मैंने, अभी एक कॉन्सेप्ट दिया, अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया अभी आपको, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। सो एवरीबॉडी इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वाह 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 वाह, फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर क्लैपिंग। तो दिस इज 246 ए, आर्टिकल 246 ए, एक नए इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, एक नए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, ए मतलब ही हो गया कि अमेंडेड है, एडिशन है। ओके नेक्स्ट, क्या अभी खत्म हो गया? सर अभी तो चालू ही नहीं हुआ, मैं अभी तुमको क्या बताऊं बेटा, अभी तो चालू ही नहीं हुआ है, अब तो मैं चालू करूंगा, ठीक, अभी तो चालू ही नहीं, ठीक है ना। देखो अपने मैट में दिया हुआ बेटा 246 से आर्टिकल को अमेंड किया गया, देखो मैं खाली रीड कर रहा हूं, डोंट यू डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट रीड द पॉइंट टू नो व्हाट इज द 246A, क्योंकि 246 में प्रॉब्लम थी, आप बोल सकोगे ना, 246 में प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी 246 में, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट दोनों को अधिकार दिया गया था और कंकरेंट लिस्ट में भी अधिकार था, पर हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, जल्दी से समझो, यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, तो हम कंकरेंट लिस्ट में जाएंगे नहीं, जाने की तैयार नहीं हुए, तो हमने एक आर्टिकल को ही अमेंड कर दिया, और आर्टिकल को अमेंड करके 246A में क्या लिखा देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग 246A1, दिस इज A1, आर्टिकल 260 सब आर्टिकल 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246, 246 में कहां क्या लिखा गया है वो छोड़ दो, ठीक है ना, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं जम्मू, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246, 246 में क्या लिखा गया भूल जाओ, 254 अभी डिस्कस नहीं किया मैंने, द पार्लियामेंट, अब वर्ड समझ में आ रहा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कौन है, पार्लियामेंट कौन है, पार्लियामेंट इम्प्ले माने आपकी बॉडी है, ठीक है, जो एक्ट बनाएगी, एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज टू, क्लॉज टू में क्या होगा मैं बाद में बात करूंगा, द लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट भी है और लेजिस्लेचर भी है ऑफ एवरी स्टेट, पार्लियामेंट को भी अधिकार है और लेजिस्लेचर को भी अधिकार है, पार्लियामेंट को भी अधिकार है और लेजिस्लेचर को भी अधिकार है, हैव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट, व्हाट इज लॉज, एक्ट बनाने के लिए लॉ चाहिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट, बोलो मजा आया, आर्टिकल 246A क्या कह रहा है, कहीं पे कुछ भी किया गया हो मुझे मतलब नहीं है, हमारे पार्लियामेंट के हिसाब से हमारे पार्लियामेंट को और हर स्टेट के लेजिस्लेचर को पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज कर सकती है बाय द यूनियन, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों खुश, बोलो एवरीबॉडी हैप्पी, एवरीबॉडी हैप्पी, स्टेट गवर्नमेंट भी खुश हो गई इस आर्टिकल से, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस आर्टिकल से खुश हो गई, हाँ या ना, टेल मी बेटा, एकदम दिल से, जो कोई जो पढ़ाई करते हो ना, दिल से पढ़ना चाहिए, आवाज दिल से आनी चाहिए, भगवान को बस जय नमस्कार नहीं, दिल से भगवान आशीर्वाद देना मैं उन्नति करूं, ठीक ठीक। तो आर्टिकल में एवरी स्टेट और लेजिस्लेचर दोनों को पावर दे दिया गया कि आप गुड्स पे लगा सकते हो, आगे देखो, आगे देखो, पॉइंट टू, पार्लियामेंट हैज, आगे देखो सब आर्टिकल टू, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, ठीक से देखना, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, खाली रीड कर रहा हूं, नथिंग मोर, और कुछ करने की जरूरत नहीं, टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, दुनिया इसको रटेगी, दुनिया इसको रटेगी, बोलो रटेगी कि नहीं रटेगी, बोलो इसको रटेगी कि नहीं रटेगी, दुनिया इसको रटेगी, पर तुमको मैंने बैकग्राउंड दे दिया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पंगा क्या होता है, दोनों स्टेट लूटना लगती है, तो उस पावर को जैसे उन्होंने एंट्री नंबर 92A को इंट्रोड्यूस किया था इंटर स्टेट परचेज और सेल को रोकने के लिए, ठीक उसी तरीका से पार्लियामेंट ने यह पावर अपने पास रखा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफर होगा उसमें पावर कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, यस और नो, बोलो
पूरा का पूरा बैकग्राउंड अब समझ रहे हो, मैं 2 घंटे जो बक रहा था वो किस लिए हो रहा था, है? सब कोई सोच रहे थे मैं क्या कर रहा हूं, पर वो 2 घंटे जो मैंने तुमको दिए उसका कोरिलेशन समझ में आ रहा है कि जब मैंने तुमको एंट्री नंबर 92A पढ़ाई तो 92A में मैंने क्लियरली इस बात को कहा था कि नहीं ये लफड़ा होगा, इस लफड़े को दोनों स्टेट मांगना चालू करेगी, इस लफड़े को बचाने के लिए एंट्री नंबर 92A आया। ठीक उसी तरीके से जब ये पावर आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट दोनों गुड्स लगाएगी, तब मुद्दा आएगा दिल्ली से अगर पंजाब में सामान बेचा गया तो क्या होगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या होगा। अगर यहाँ पे भी स्टेट के ऊपर पावर दे देता, सच इमेजिन करो, इमेजिनेशन करो, अगर इसमें ये लाइन नहीं लिखता, ये लाइन नहीं लिखता तो बर्बादी हो जाती। जब पंजाब से दिल्ली में कोई सामान खरीदा जाता तो पंजाब गवर्नमेंट बोलती भैया मेरे यहाँ से सेल हो रहा है, केजरीवाल तो तुरंत रायता फैला देते और कहते मेरे यहाँ परचेज हो रहा है, मैं भी चाहूंगा। तो दोनों तरीके से इन सब बातों का होता। इन लफड़े से बचने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक्सक्लूसिव पावर रखा, एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक, तो इस जगह पे इन्होंने पास किया IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस आर्टिकल 2 में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाएगा ना, ये दोनों क्या होगा, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी जो रेवेन्यू आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी रखेगी, ध्यान से रखना बेटा। यस लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर ने क्वेश्चन पूछा है, एज पर 92A रेवेन्यू इज केप्ट बाय स्टेट, व्हाट अबाउट GST फॉर इंटर स्टेट। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएगी तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे कलेक्ट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखेगी और स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, इस बार हिस्सा अपोर्शनमेंट होगा। यस एवरीबॉडी क्लियर, सुपर क्लियर, बोल जम्मू। दानिश, अंशुमन, रमे, राघव, आर्या, बोलो, एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, लक्ष्मीनगर दोनों रखेगी बेटा, दोनों रखेगी, गुड़गांव दोनों को दिया जाएगा इसका अधिकार, दोनों है, पैसे दोनों रखेगी, बताऊंगा धीरे धीरे, आओ ना अभी, इसलिए मैं GST स्टार्ट नहीं कर रहा था ना। ठीक, आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो। बियावर, योगिता, चले अब आगे और फिर बढ़ते हैं। अब मैं कुछ और जगह जाने वाला हूं, अब मैं एक और जगह जाने, व्हाट इज AC बेटा रेवाड़ी, इवन यू डोंट बॉर्डर टू रिप्लाई मी। जम्मू ने पूछा है कि CG CST में CG आगे क्या हुआ, आप सब कोई पूछ रहा आगे क्या हुआ, आगे बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं, वेट, इंतजार करो, इंतजार, यही तो पढ़ाई का मजा है, इसके आगे क्या हुआ। CST में CG खाली रूल बनाती थी, ठीक है, कलेक्शन का पावर उन्होंने स्टेट को दिया, माने कि सारा का सारा गवर्निंग बॉडी जो था CST का वो सेंट्रल का था, कलेक्शन का पावर स्टेट के मद्देनजर कर दिया गया, यानी कि सारा घर कौन चला रहे थे, पापा, परंतु दुकान के भीतर जो कलेक्शन का डिपार्टमेंट है वो माधव को दे दिया गया, तो उसे कहते हैं। चलिए अब बताओ, अब एक नए आर्टिकल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, आर्टिकल 245। सर जी आप तो आर्टिकल आर्टिकल पे चल रहे हैं। ए सुमित एंड पुष्प, दोनों को GST की गोली खिला के हाजमा खराब कर दूंगा, आ जाओ इधर, उन बच्चों को देखो कितने शान से पढ़ाई कर रहे हैं। लक्ष्य, चले देखो आर्टिकल
मैंने तो, आपने तो सर 245 246 पढ़ाया, मैंने पढ़ाया बेटा, आपने तो सर 246 से पढ़ाया, वो तो मैंने जानबूझ के पढ़ाया कि तुम्हारा जीएसटी में मन लगा रहे, मैं तो आर्टिकल 245 में जाना था। आर्टिकल 245 कहता है कि एक्सटेंड, ये एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। जब भी कोई भी एक्ट तुम पढ़ते होगे, आपने बचपन से एक्ट पढ़ा होगा, तो एक्ट पढ़ते वक्त आपने देखा होगा सेक्शन 1। बोलो रे बच्चा पार्टी, सेक्शन 1 देखा होगा कि नहीं देखा होगा? जब आप सेक्शन 1 में जाते हो तो सेक्शन 1 में हर जगह लिखा रहता है ना, एप्लीकेबिलिटी 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 एप्लीकेबिलिटी। तो आज मैं, ये कहां से आता है? ये आर्टिकल 245 से एप्लीकेबिलिटी की बात आती है। ये 245 आर्टिकल आपको एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। तो एक्सटेंड ऑफ एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आई बात समझ में? यस, एवरीबॉडी नोस। तो एक्सटेंड ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये 200 आर्टिकल 245 बताता है कि जो लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट के द्वारा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। ये तो हमें पता है कि जब पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाने का मतलब पूरे देश पे एप्लीकेबिलिटी होगी, पर वहीं पे स्टेट के द्वारा अगर लॉ बनाया गया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट तक एप्लीकेबिलिटी होगी। ये बात तो हमको पता है, एक्सटेंडेंस की बात पता है। यानी कि मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोला कैसे भैया, ऐसे लिख सकता हूं ना, लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द स्टेट, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए तो यूनिफॉर्म कहते हैं, दिस इज अ यूनिफॉर्म लॉ। इस लॉ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो यूनिफॉर्म है, उसको देना ही पड़ेगा। लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू, द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर, इससे अच्छा वर्ड है ऑल ओवर, टू ऑल ओवर इंडिया, ये ज्यादा बेटर वर्ड है ऑल ओवर इंडिया, ये ज्यादा अच्छे से लिखो, ठीक है। लॉ मेड बाय, हाँ सॉरी, ठीक है, ऑल ओवर स्टेट मतलब पूरा भी हो सकता था, वैसे भी लिख सकते ऑल ओवर द स्टेट मतलब पूरे इंडिया पे, पर ज्यादा प्रॉपर वर्ड ऑल ओवर इंडिया। लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर स्टेट, अपने स्टेट के ऊपर, ठीक है, ठीक। ढंग से देखना, कुछ जा रहा हूं थोड़ा ढंग से देखना, कुछ नए कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं। लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एरो, ऑल ओवर इंडिया एरो, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 370। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया? कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि नहीं हो गया बताओ? कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अचानक ये क्या हो गया सर? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जल्दी बताओ। यस, ये जीएसटी का पार्ट है। यस, ये भी जीएसटी का पार्ट है मेरे भाई, ये भी जीएसटी का पार्ट है। बोलो। यस, अगर मैं बात करूं,
अगर मैं बात करूं ये जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल पावर की बात की गई है, ये तो पता ही होना चाहिए। व्हाट इज जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल पावर? ठीक से सुनना, एवरीबॉडी लिसन प्रॉपरली, ढंग से सुनना। जब 1947 में, जब 1947 में देश की आजादी हुई, तो इस देश की आजादी के समय ये क्या हुआ, पीछे क्यों भाग गए? ये देश की आजादी के समय जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, इस पे कहते हैं हरि सिंह जी का राज था, हरि सिंह, राजा हरि सिंह, हरि सिंह। तो जब इस जम्मू एंड कश्मीर 1947 में हुआ, तो जो ब्रिटिश ने जिस हिसाब से देश का विघटन किया, तो एक हिस्सा उन्होंने जिन्ना सर को दे दिया और एक हिस्सा नेहरू जी को दिया, माने इंडिया और एक पाकिस्तान, बीच के हिस्से पे जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने द्वंद में डाल दिया। और जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने ऑप्शन दे दिया वहां के राजा को, आपको जिसमें भी मन हो, पाकिस्तान में विलय करने का मन हो आप पाकिस्तान में विलय करिए, आपका मन हो तो आप क्या कहते हैं इसको, इंडिया में विलय करिए। पर हरि सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं कहीं विलय नहीं करूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाने की बात। समझाया भी गया था उनको कि ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्री मत बनो, पाकिस्तान की नीयत पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पाकिस्तान आपको आक्रमण करके पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को ले लेगा। राजा ने कहा नहीं, हरि सिंह जी ने कहा नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं किसी के साथ विलय नहीं करूंगा, ना मुझे पाकिस्तान में जाने का इच्छा है ना। ठीक है, जो वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में हमला कर दिया, बहुत दूर तक निकल के आ गए, इसलिए तो कई सारे हिस्से हैं ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बहुत दूर तक आ गए ये लोग। दूर तक आने के बाद जब हरि सिंह को लगा अब जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा हमें बचाइए। नेहरू जी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था जिन्ना की नीयत ठीक नहीं है, तो आप एक काम, हमने कहा था विलय कर लीजिए, अभी भी मौका है, पटेल साहब, सरदार पटेल साहब से बात हो रही थी, अभी भी मौका है, सरदार पटेल साहब ने कहा कि हम आपको बचाएंगे, आप इंडिया के साथ विलय कर लीजिए। तब एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, नेहरू जी ने एक इंट्रोड्यूस किया 370, जो शायद उस लाइन को समझो, 370 में कहा गया कि टेलीकॉम, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर को छोड़ के, याद रखना, टेलीकॉम पॉलिसीज, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो होंगी वो जम्मू एंड कश्मीर ही अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। यानी कि जेएनके को यही स्पेशल पावर दिया गया कि टेलीकॉम, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर को छोड़ के आपको जो भी करना है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या है। पर उसमें एक क्लॉज भी था कि जो वहां की जमहूरियत है, वहां की जो जनता है, विलय वोट देके विलय का कानून पास करा सकती है। ये 370 में ये भी लिखा गया है, इसलिए कभी भी ढंग से इलेक्शन नहीं उन्होंने, तब पाकिस्तान बार बार ये कहता है बदमाशी करता है, तो 370 के आर्टिकल को मुद्दा बना के ही तो सारी पॉलिटिकल पार्टी वहां रोटी सेक रही है, क्योंकि 370 के आर्टिकल के हिसाब से जम्मू एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया के साथ है पर इंडिपेंडेंट स्टेट है, तीन चीजों को छोड़ के उसका अपना अधिकार है। इसलिए जब 1 जुलाई यानी कि कोई भी, अगर मैं बात करूं तो कोई भी लॉ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी लेनी पड़ेगी, अगर मैं ढंग से सोचूं तो, क्योंकि अगर लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट की रजामंदी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर ध्यान से देखो तो आर्टिकल 246A में यह बात की गई है कि सेंट्रल स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का ही है, तो जब दोनों का अधिकार है तो अब 1 जुलाई 2017 को जब ये लाया गया जीएसटी, महबूबा जी ने कहा नहीं, मैं राजी नहीं। पर मोदी जी थे, महबूबा जी को मना लिया, और जब महबूबा जी मानी तो वो 8 जुलाई को मानी। यानी कि जिस दिन जीएसटी एक्ट 1 जुलाई को आया, उस दिन डज नॉट एक्सटेंड टू जम्मू एंड कश्मीर था ये,
200 आर्टिकल 245 में एक नॉट जम्मू एंड कश्मीर था 1 जुलाई को, फिर 8 जुलाई को अमेंडमेंट होके उसमें आया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हो नॉट जम्मू एंड कश्मीर तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बाद में 7 दिन बाद महमूदा जी माने, क्योंकि मोदी जी मनाए और कोई ना माने ऐसा कभी होता है क्या। चलिए, तो ये आर्टिकल 370 की धाराएं थी, इसलिए उन्होंने लिखा लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया अग्रीड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 370 और सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, यानी कि 370 में जब तक जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानता है तब तक आप जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगा सकते। जैसे एक्साइज था, एक्साइज पूरे इंडिया में था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने मान लिया था, पर जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो सर्विस टैक्स के समय में सर्विस टैक्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हाँ नहीं की थी, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स नहीं लगता था। इस बात को समझ लेना, पहले सर्विस टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, आइए, तो इसी से एक और समरी बनेगी। अब ध्यान से देखना, फिर से एक मैं समरी बना रहा हूं। एवरीबॉडी इज क्लियर। तो एक समरी अभी मेरी क्या बनी, यहां से लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है, रेवाड़ी क्लियर, जबलपुर क्लियर, एवरीबॉडी, लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है वो यहां कौन है, या तो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट है। यस सर, तो ये जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो किसके ऊपर जाएगा, होल ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, होल ऑफ इंडिया के ऊपर। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो ये मुझे पता है होल ऑफ स्टेट के ऊपर। ये मैं कहता हूं, ये आर्टिकल 245 कहता है, अग्रीड और डिसएग्री विथ मी। अरे नालायक, पढ़ाई करना। यू ऑल अग्रीड विथ मी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी अगर पार्लियामेंट होगी तो वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, अगर लॉ मेकिंग अथॉरिटी अगर स्टेट होगी तो वो भी होल ऑफ इंडिया पे होगा, पर आर्टिकल कौन सा होगा, 245 होगा। अभी अभी मैंने 245 आर्टिकल के बारे में आपसे बात की। यस सर, पॉइंट नंबर बी, आज मैं अब तुम्हें एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जन्म देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है ना, चलो नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक से देखना, बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लक्ष्मी नगर आइए, एनीबडी हैव आइडिया अबाउट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन? नो आइडिया, नहीं सर कोई आइडिया नहीं। तो मैं आपको थोड़ा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आइडिया बताता हूं। बताओ ओरिजिन का मतलब क्या है, जहां से सामान निकलेगा, जल्दी बोलो। ओरिजिन बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या है, जहां से सामान निकलेगा वहीं पे टैक्स लगेगा, हाँ या ना? जहां से सामान निकलेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जीएसटी।
एकदम हाथ पांव दिमाग सब कुछ खोल के डालो, कान में रुई मत डालना, खोल लेना बेटा, पंजाब जम्मू आंख नाक मुंह बाकुड़ा। राहुल सबसे पूछ लो, सब क्लियर है? राहुल सबसे पूछ लो, ढंग से सुनना। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से निकलना, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पे पहुंचेगा वहां पे टैक्स लगेगा। ओरिजिन का मतलब जिस स्टेट से निकलेगा वो स्टेट, और डेस्टिनेशन का मतलब है जहां पहुंचेगा वहां पे। यह तो बहुत अच्छी बात है सर, यह तो बड़ा इजी है सर, इसमें क्या है? चलो देखते हैं क्या है। चलो मुझे बताओ, इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, ये ओरिजिन है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है? कौन सा टैक्स है? जल्दी बोलो, ये ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है? आहा हा, वाह बनारस वाह, दिल खुश कर दिया आपने तो। ओरिजिन है या, वाह सुमित वाह वाह, बोल रेवाड़ी, बोल हिसार, बोल जम्मू। बेटा इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, और इंट्रा विद इन स्टेट अगर होगा तो डेफिनेटली वैट आता है, आता है ना वैट। तो ना तो ये नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। बेटा जिसने कहा ओरिजिन वो भी गलत, जिसने कहा डेस्टिनेशन वो भी गलत, क्योंकि पंजाब से ही सामान निकला और पंजाब में ही उसका कंजम्पशन हुआ है, तो फिर ओरिजिन और डेस्टिनेशन तो सेम स्टेट है, फिर आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्यों लगा रहे हो? मेरा क्वेश्चन आपसे है। इसलिए ओरिजिन और डेस्टिनेशन इररिलेवेंट है। ओरिजिन बेस टैक्स या डेस्टिनेशन बेस टैक्स इररिलेवेंट है, ओरिजिन बेस टैक्स या डेस्टिनेशन बेस टैक्स इररिलेवेंट है। बोलो एवरीबॉडी क्लियर? जिस स्टेट से गुड्स निकल रहा है उसी स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, तो कौन सी की बात आप कर रहे हो? कैसी कैसी बातें आप कर रहे हो बताओ तो? क्लियर है? आपका पंजाब से सामान निकला कुलदीप, और पंजाब में कंज्यूम हुआ, तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन का कोई मतलब नहीं है, स्टेट तो वही है। बोलो क्लियर, फटाक से बोलो। ए जम्मू, जमशेदपुर, रेवाड़ी, हिसार, जल्दी बोलो सब कोई। बनारस परफेक्ट है, ठीक है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के लिए नॉट रिलेवेंट है, सरकार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि सर इंडिया के भीतर ही है, इंडिया के भीतर है। ढंग से समझो, चीजों को समझो। पार्लियामेंट के लिए तो बेकार है, क्योंकि पार्लियामेंट जब रूल बनाती है तो होल ऑफ इंडिया के लिए बनाती है। अब जब वो होल ऑफ इंडिया के लिए बनाएगी तो पंजाब से निकला और हरियाणा पहुंचा, पंजाब से निकला हरियाणा पहुंचा, इंडिया में ही तो है, इंडिया में ही तो है, इंडिया में ही तो है, इंडिया में ही तो है। तो ऐसी चीजों के लिए ओरिजिन और डेस्टिनेशन का कोई सेंस नहीं है। पर जब स्टेट गवर्नमेंट के सवाल से आता है तब ये कौन सा है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट से निकलेगा उस स्टेट से। बोलो बोलो क्लियर? सरकार है ना पार्लियामेंट के लिए, तो देश पूरा एक है, चाहे वो इंट्रा हो या इंटर हो, उसके लिए तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन का कोई सेंस ही नहीं है। ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन जहां तक इंट्रा में है सेम स्टेट में है, पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो ओरिजिन बेस्ड, अभी मैंने बताया था जिस जगह से गुड्स मूवमेंट करेगा वो स्टेट कलेक्ट करेगी। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर क्लियर। चलिए मुझे अब आपका जवाब चाहिए, मेरा क्वेश्चन नंबर FAQ 1 है, मेरा जवाब चाहिए। पंजाब से गुड्स हरियाणा पहुंचा,
पंजाब से गुड्स हरियाणा सेल हुआ। ठीक, सीएसटी कौन सा स्टेट, जल्दी बोलो, सीएसटी कौन सा स्टेट? पंजाब। क्यों? आपने कहा ओरिजिन बेस्ड टैक्स, आपने कहा ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ठीक है शिवम, लक्ष्य, सुखी, माधव, अंशुमन, ठीक है ना, हो गया। कानपुर से समान वाराणसी गया, बताओ ये भी यूपी में, ये भी यूपी में सेल हुआ है तो कौन सा लगेगा वैट, कौन सी स्टेट लेगी? यूपी। ओरिजिन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? सर बकवास है, सर बकवास है, सर बकवास है। वाह चलो, अब ये तो मैं पका रहा था तुमको, अब काम की बात। एफएक्यू टू, इंडिया, इंडिया से सामान यूएसए पहुंचा, बोलो बोलो, इंडिया से सामान यूएसए पहुंचा, मान लो इंडिया में सामान यूपी से निकला और यूएसए पहुंचा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एवरीबडी आई एम वेटिंग, दिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ, बेसिकली दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जीएसटी का। बताओ, इंडिया से सामान यूएसए पहुंचा, यूपी से गया, यूपी से गया, अगर मैं एंट्री नंबर 54 की बात करूं, एंट्री नंबर 54 की बात करूं, ठीक से समझना, हड़बड़ाओ मत, एंट्री नंबर 54 की बात करूं तो टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री व्हाटएवर, टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब है टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स यूपी, अग्रीड हो? बोल हां यूपी, यूपी कौन सा टैक्स लगाएगा? ये हम तो ये मान गए कि एक्सपोर्ट है, हम ये मान गए एक्सपोर्ट है, बाद में यूपी उपी बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसी जगह एक एग्जांपल दे दूं, आप बोलोगे यूपी तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स की बात आप करोगे, हाँ या ना, बोलो। अगर आप बोलते हो यूपी लेगा तो आप ओरिजिन बेस्ड टैक्स की बात करते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ ठीक से लाना, अरे बात में बात करो, कस्टम ड्यूटी है ना तैना, मेरा बात बात करो, मैं ओरिजिन और डेस्टिनेशन में हूं, मेरी बात करो, ओरिजिन और डेस्टिनेशन में हूं मैं, खाली अभी एक्सपोर्ट हुआ है ये बात समझ में आ गई, खाली मुझे बताओ ओरिजिन बेस्ड टैक्स है कि नहीं है। ये तुम कह रहे हो कि इंडिया लेगा यूपी लेगा तो यूपी का मतलब आप ओरिजिन बेस्ड टैक्स की बात मानते हो कि नहीं, अभी खाली उतना ध्यान दो, कस्टम उस्टम पे ध्यान मत दो, अग्रीड, आप लोग सब मान गए हो। चलो अब मैं बात करता हूं, ये इंडिया है और ये यूके है, सामान यहां से आया, ये हुआ क्या इंपोर्ट। अगर मैं ओरिजिन बेस पे जाऊं, अगर मैं ओबीटी पे जाऊं,
तो यूके टैक्स लेगा या इंडिया टैक्स लेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। एमजे हड़बड़ाओ मत बेटा, हड़बड़ाने से गड़बड़ हो जाती है बेटा, हड़बड़ाओ मत एमजे। यूके है, यूके टैक्स लेगा। तब आप बोलोगे नहीं सर इंडिया टैक्स चाहिए, हमको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होना चाहिए, हाँ या ना? अगर ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता तो यूके लेती, पर इंडिया बोलेगी नहीं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि इंडिया सामान इंडिया में आ रहा है। बोलो, जब इंडिया सेल कर रहा था, देखो इंडिया जब सेल कर रहा था तो बोल रहा था ओरिजिन बेस्ड, वाह 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 वाह। इंडिया जब परचेज कर रहा है तो इंडिया बोल रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड, वाह वाह। अब बताओ, एक तरफ ओरिजिन की बात चल रही है, इधर में बात चल रही है किसकी, डेस्टिनेशन बेस्ड, वाह वाह वाह। इंडिया इज सो स्मार्ट। अब आप खुद बताओ हाउ मच इंडिया इज स्मार्ट। वन द इंडिया इज सेइंग सेल हो रहा है ओरिजिन और परचेज हो रहा है डेस्टिनेशन। ये प्रॉब्लम खाली इंडिया के साथ है या दुनिया के हर कंट्री के साथ है? जल्दी बोलो, ये प्रॉब्लम खाली इंडिया के साथ है या दुनिया के हर कंट्री के साथ होगी? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। एवरी कंट्री के साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो इंटरनेशनल फोरम में सारी कंट्री ने मिलके एक लेवल में बैठे, सब चेयर पे बैठे, इंटरनेशनल फोरम में सारी कंट्री बैठी, बोला यार ये एक इशू हो गया, क्योंकि ओरिजिन डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन ओरिजिन है ना तेना, दिस इज ए इशू, चलो लेट्स सेटल दिस इशू परमानेंटली, नहीं तो आप भी लगाओगे मैं भी लगाऊंगा, ये भी होगा वो भी होगा, इस इशू को परमानेंटली सेटल्ड कर दिया जाए। तो इंटरनेशनल फोरम में इस इशू के उठाए जाने के बाद जहां का हिस्सा है बहुत बड़ा, उस हिस्से में इस बात पे सारी कंट्री, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी, उस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बात को समझ लिया और इस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिसको बनाया, जानते हो क्या बनाया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में हम किसको फॉलो करते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। हम इंटरनेशनल में हम इंटरनेशनल में किसको फॉलो करते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड को, किसको फॉलो करते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड को। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब, एमजी तुमने लिखा था ना पानीपत, एक बात मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो एक बात जो नहीं उसका मीनिंग समझाता हूं तुम, यानी कि जब एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, नो डाउट, कस्टम ड्यूटी कौन लगाएगी, कस्टम ड्यूटी कौन लगाएगी, इंडिया, क्यों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की बात हो रही है, अग्रीड हो, अग्रीड हो, डेस्टिनेशन बेस्ड की टैक्स। एक्सपोर्ट में क्या इंडिया लगा सकेगी, क्या इंडिया लगा सकेगी एक्सपोर्ट में, क्या इंडिया लगा सकेगी एक्सपोर्ट में, क्या इंडिया लगा सकेगा, यस और नो, नो, क्यों, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो कई लोग गाना गाते हैं ना, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, कभी जिंदगी में ऐसा ना बोलना कि एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, वो बात की बात है, तुम्हें बैकग्राउंड तो सीखो यार, खाली तुम एग्जेम्प्ट पढ़ के जाओगे कि हाँ एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है सर, आपने बोला एग्जेम्प्ट है, नहीं मैंने नहीं बोला एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डीपीटी को फॉलो किया और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, पटना लास्ट बेंच पे जो है उसकी तबीयत खराब हो गई है, लगा देखो इतना कॉन्स्टिट्यूशन सीखने के बाद,
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को फॉलो किया, तो डीबीटी को फॉलो करने के कारण एक्सपोर्ट क्या है, इंडिया का तो अधिकार ही नहीं है, फिर एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट क्यों गाना गाते हो तुम लोग? अब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट गाना गाओगे बताओ? क्या एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट गाना गाओगे? क्या सरकार को कहोगे हाँ आप बहुत अच्छे हो, आपने एक्सपोर्ट हमें माफ कर दिया? अरे गोली मारो सरकार को, गोली मारो सरकार को, हैं मजाक बना रहे हो क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये डेस्टिनेशन हैं बताओ, क्योंकि क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नो पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात नहीं करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बात करेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सारे के सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर जब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर इंडिया अगर दूसरी जगह जा रहा है तो डेस्टिनेशन यूएसए है, एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों लगाएगा? क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात आती है। बोलो एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? यानी कि मैं बोल सकता हूं क्या, इंडिया विल नॉट टैक्स्ड एक्सपोर्ट, इट्स ए कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। यस जम्मू है ना, क्योंकि कस्टम में जब किसी गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी के साथ आईजीएसटी का भी प्रावधान है। जब आप किसी गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी के साथ आईजीएसटी का भी प्रावधान आएगा, क्योंकि पहले उसमें एक्साइज और वैट लगता था तो उनको हटा के अब आईजीएसटी लगा दिया गया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर क्लियर, मुझे तुम बताओ एक क्वेश्चन, मैं दिल्ली में हूं, मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं दिल्ली में हूं, ठीक है, दिल्ली वाला इंटर इनटू एग्रीमेंट विथ पंजाब वाला, इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ पंजाब वाला डिलीवर्ड द गुड्स इन यूके, बताओ इज दिस इंटरनेशनल, नेशनल, इंट्रा और इंटर? दिल्ली वाला पंजाब वाले को कह रहा है कि भाई तू मैं कुछ गुड्स को है तू यूके में डिलीवरी दे दे, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो पंजाब गवर्नमेंट कहेगी, पंजाब बोलेगी मुझे सीएसटी चाहिए, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलेगी। फीलिंग कौन सी आ रही है, इंट्रा है? अच्छा चलो ये सब बोलो, आपकी फीलिंग क्या कह रही है, ये इंट्रा है, इंटर है या इंटरनेशनल है? बोलो आपकी फीलिंग, बोलो द योर फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आपकी फीलिंग क्या कह रही है? इंट्रा तो पॉसिबल ही नहीं है, चलो इंट्रा तो पॉसिबल ही नहीं है, चलो इंट्रा तो पॉसिबल नहीं है, इंटरनेशनल की बात हो सकती है, पर मेरे भाई पंजाब गवर्नमेंट तो कह सकती है ना कि तुमने तो दिल्ली वाले को बेचा है, डिलीवरी तुमने यूके में दिया उससे मतलब नहीं है, रायता फैलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ या ना में जवाब दो, रायता यहाँ पे फैलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है ये जवाब दो, रायता तो फैलाया जा सकता है ना, है
कि पंजाब गवर्नमेंट बोलेगी भैया तूने तो दिल्ली वाले को बेचा है, तू कहाँ डिलीवरी दे रहा, मेरे को क्या करना है, रायता फैला दो, रायता फैला दो। ऐसा भी हो तो हो सकता था कि ये दोनों ही दिल्ली वाले थे, दोनों ही दिल्ली वाले थे और दोनों ने कहा भैया, इसने इसको कहा दिल्ली वाले को तू भेज दे, तो केजरीवाल तो पक्का रायता फैलाएगा। केजरीवाल जी अगर ये दोनों दिल्ली, चलो हो सकता है यूपी वाले नहीं पाया, योगी जी अभी समझदार है ना फैलाए, पर अगर दोनों दिल्ली वाले होते तो केजरीवाल जी तो रायता फैला ही देते, भाई तूने तो दिल्ली में ही बेचा है, चल लगा इंट्रा है, लगा इंट्रा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आर्टिकल 54 भी इस बात की गवाही देता है, आर्टिकल 54 भी इस बात की गवाही देता है, टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री नंबर 92, सेल और परचेज। फिर ये बात कहता है 92A कि टैक्स ऑन सेल और परचेज वेयर सच सेल टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का अधिकार किसने ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, इंटरनेशनल भी एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट होनी चाहिए, पर यहां तो स्टेट नहीं कंट्री है, और यहां कुछ बोला नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट तो रायता फैलाएगी फैलाएगी। तो इसका मतलब है एंट्री नंबर 54 में इंटरनेशनल हो सकता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, एंट्री नंबर 54 में इंटरनेशनल हो सकता है, हाँ या ना, हाँ या ना, हो सकता है, रायता फैल सकता है, बोला हाँ रायता फैल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल का अधिकार 54 में है, इंटर नहीं है पर इंटरनेशनल का अधिकार 54 में है, बोला हाँ है ना, ठीक है, ये आपका है, ये भी है, ये 92A में चला गया, मैं मानता हूं ये 54 में है, ये 54 में है। चलिए हर हर महादेव, अब जो मैं लिखा रहा हूं आज की समाप्ति है ये। तब गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 286, नो लक्ष्मी नगर, इंटरनेशनल कन्वेंशन बोल के कुछ नहीं होता है, डोंट से ऑल दिस, इंटरनेशनल कन्वेंशन तो डीबीटी को फॉलो करता है, बाकी कुछ नहीं। आर्टिकल 286, ढंग से देखना क्या लिखा रहा हूं। दिस आर्टिकल सेज रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ठीक से देखिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, इंट्रा मतलब तो विद इन द हेड है ना कुलदीप, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, तो 54 में है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, विद इन द स्टेट मतलब भैट, क्या बताऊं बोलो जम्मू बेटा, अपने इंट्रा कैसे, इंट्रा तो होगा ही नहीं बेटा, इंट्रा तो है ही नहीं बेटा, इंट्रा नहीं है, मैं मान गया, चलो ये इंट्रा है, बोला नहीं सर ये इंट्रा नहीं है, मैं मान गया, इंटर है तो हो सकता है ना इंटर, क्यों, पंजाब के एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, दिल्ली वाले के साथ, ठीक है, डिलीवरी कहां पे हुई है, इंडिया के बाहर, तो इंटर भी है और इंटरनेशनल दिख रहा है मुझे, तो ए बेटा मैं तो आर्ट ये इससे रिलेटेड टिक नहीं किया था बेटा, मैंने तो ये अलग से एक चार्ट बनाया कि बेटा आर्टिकल 54 को लेके चार्ट बनाया कुलदीप, ये आर्टिकल 54 को लेके चार्ट बनाया कि रायता फैल सकता था क्योंकि इंट्रा 54 में है और इंटरनेशनल 54 में है, दोनों 54 में है, तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे रायता फैल सकता है, क्यों, पंजाब कहेगा कि भैया तुम इधर हो तो वो इसको इंटर भी मान लेगा, प्लस ये इंटरनेशनल के केस में भी आ गया, इंट्रा तो हो ही नहीं सकता है, ये एग्जाम्पल नहीं है बेटा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये खाली एक सिचुएशंस को बयां कर रही है, बोलो क्लियर है बेटा, ये दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल बेटा, दिस इज जस्ट ए सिचुएशन, ये एक सिचुएशन, ये नॉलेज के लिए मैंने गलत जगह बना दिया लगता है, इसे मुझे कहीं और बनाना चाहिए था कि इंट्रा में 54 आता है, इंटर में 92 आता है और इंटरनेशनल में 54 आता है,
तो ये इंटर तो हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है। अगर इंटर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनेशनल हुआ तो 54 आएगा। अब रायता फैला हुआ है, कौन क्या करेगा। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में आ रहा है कि मैं जब ये कर रहा हूँ डेस्टिनेशन बेस्ड, जब टैक्स की फॉलो कर रहा हूँ, डीबीटी को जब मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो डीबीटी के हिसाब से गुड्स कहाँ गया, यूके में गया। तो यूके के कारण मैं बोल सकता हूँ ये इंटर भी नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल है। बोलो एवरीबडी क्लियर, इतना तो बता दो। अब एवरीबडी इज क्लियर कि ये इंटर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलीवरी कहां हुई है, डिलीवरी कहां हुई है मेरे भाई, डिलीवरी कहां पे हुई है, डिलीवरी हुई है यूके में। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के कारण मैं बोल सकता हूं ये इंटरनेशनल है। अब क्वेश्चन मेरा है, क्या इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर, क्या इंटरनेशनल टैक्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? आंसर आएगा हाँ, लगा सकती है। लोचा हो जाएगा, लगा सकती है मतलब लोचा हो जाएगा, लगा सकती है, लगा सकती है। तब इन्होंने कहा कि एक आर्टिकल पैदा किया, ढंग से देखना, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ठीक से देखना, एक लाइन में खत्म करूंगा। वन, ठीक से देखना, नो लॉ ऑफ स्टेट, फॉलो दिस, नो लॉ ऑफ स्टेट, फॉलो दिस, नो लॉ ऑफ स्टेट शैल इंपोज और ऑथोराइज, इंपोज ऑथोराइज द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स वेयर सच सेल where such sale or purchase take place outside the state or in the course of in the course of import into or export of goods। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस बात से क्या पता चला, अपना अपना जवाब दो, मुझे नहीं चाहिए। अब जल्दी से अपना जवाब दो, जल्दी से अपना जवाब दो। इस बात से आपको क्या पता चला, इंटरनेशनल के ऊपर एंट्री नंबर 54 का तोड़ आ गया हाँ या ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर 54 का, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर 54 का तोड़ आ गया कि नहीं। 54 में इंटरनेशनल था, पर इसको तोड़ने के लिए क्या हुआ, बोलो आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो 54 की इस एंट्री के जवाब में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 246 में क्या लिखा, तुमने सोचा, नो लॉ ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट का लॉ, कोई भी स्टेट का लॉ कभी भी नहीं टैक्स लगा सकता है। बोलो क्लियर हुआ, नो स्टेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है
आउटसाइड द स्टेट पे वो टैक्स लगाए, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट पे वो टैक्स लगाए और इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लगाए, ठीक, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। पॉइंट टू, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन सेल और परचेज ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन एनी ऑफ द वे मेंशन्ड इन क्लॉज वन, यानी कि इसके ऊपर किसको अधिकार दे दिया गया, पार्लियामेंट को, बोलो क्लियर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर अधिकार किसका आ गया, पार्लियामेंट का। बोलो किसका अधिकार आया, जल्दी से खत्म करें इसको, जल्दी बोलो खत्म करें, किसका अधिकार आया, जल्दी से बोलो खत्म करें। खाली मुझे बताओ अब, जल्दी से मुझे बताओ, क्लॉज वन बेटा, क्लॉज वन यानी कि आउटसाइड द स्टेट एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसका अधिकार हुआ, सेंट्रल या स्टेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसका अधिकार हुआ, सेंट्रल या स्टेट, सेंट्रल या स्टेट, सेंट्रल, एवरीथिंग इज क्लियर, हटाना बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर फॉर टुडे। तो अल्टीमेटली पिक्चर क्या निकल के आई, सब आएंगे लक्ष्मीनगर धीरे जाएंगे, अल्टीमेटली पिक्चर क्या निकल के आई कि इंट्रा के ऊपर अधिकार किसका, स्टेट का, इंटर के ऊपर अधिकार किसका, सेंट्रल का, एंड इंटरनेशनल के ऊपर अधिकार किसका, सेंट्रल का, बोलो किसी के बीच किसी का भी कोई डिफरेंस है। तो अब आज क्या मैंने जीएसटी के बारे में कोई भी बात की, नहीं, आज मैंने किसके बारे में बात की, आज केवल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की, बताइए एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।